आज की सभा में उपस्थित मुंगेली के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सम्माननीय माताओं बहनों, विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं मुंगेली की भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति शाखा का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यह व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला। विशेष रूप से हमारे भारत स्वाभिमान के जो मुंगेली इकाई के अध्यक्ष हैं भाई श्री जेठमल जी, उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे उपाध्यक्ष हैं भाई श्री पदमचंद जी, उनका बहुत आभारी हूँ। महामंत्री हैं श्री रविंद्र जी, उनका आभारी हूँ। जो कोषाध्यक्ष हैं भाई श्री विजय जी, उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे संरक्षक डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक और दूसरे संरक्षक श्री श्रीकांत जी, उनका आभारी हूँ। हमारे योग शिक्षक भाई श्री विवेक पाठक जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो सभी सदस्य हैं भाई श्री प्रद्युम्न जी, अशोक जी, विवेक जी, भोजराज जी, अशोक गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, भुवनेश जी, आकाश जी, प्रदीप जी और दुर्गालाल जी, इन सबका आभारी हूँ। यहाँ समन्वय भक्ति संस्था की तरफ से जो प्रस्तुति की गई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई श्री रविशंकर जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भाई श्री नीलकंठ जी, सचिव श्री कमल किशोर जी, सह सचिव श्री सतपाल जी और जो कलाकार जी, जो कलाकारों ने प्रस्तुति दी, भाई पीर मोहम्मद, भाई संजय जी, भाई सुमीर जी, भाई हरेंद्र, भाई तनवीर, भाई रघुवंश और मंच संचालन श्री संजय भाई, बहुत आभार आप सभी का। जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहला लक्ष्य है और दूसरा लक्ष्य है कि भारत की जो गंभीर समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सब समस्याओं का समाधान करना। एक तरफ हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हों और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारा देश भी स्वस्थ हो। एक ओर हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक सुखी हों, दूसरी तरफ देश भी हमारा सुखी हो। यही दो उद्देश्य पूरे करने के लिए आंदोलन ये शुरू हुआ। आपके मन में सवाल आएगा कि भारत के सब नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करेंगे। उसके लिए हम सभी को योग प्राणायाम सिखाना चाहते और आयुर्वेद के बारे में उनको जानकारी देना चाहते। अगर हर व्यक्ति को आयुर्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी हो और योग प्राणायाम करने का सभी लोग अभ्यास डालें तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, निरोगी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में 8 बजे तक योग कक्षा लगाते हैं और टेलीविजन चैनल के माध्यम से करोड़ों भारतवासी रोज उसे देखते हैं, सीखते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि टीवी के माध्यम से योग कक्षाएं गांव-गांव लगाकर। मैं ये सवाल आ सकता है कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत है कि भारत इस समय बहुत बीमार है और भारत के लोग बहुत बीमार हैं और बीमार देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। बीमार परिवार जैसे हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, वो हमेशा विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है। वैसे ही बीमार देश भी दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ जाता है। हमारा देश इस समय बहुत बीमार है। अपने देश की जो सरकार है, इसके आंकड़े अगर आपसे मैं बात करूं, सरकार कहती है भारत की कि 120 करोड़ भारतवासी हैं कुल पूरे देश में, माने हमारी जनसंख्या 120 करोड़ है और इसमें 100 करोड़ लोग बीमार हैं। 80% आबादी हमारी बीमार है। इसको ऐसे समझिए कि भारत में कुल जितने परिवार हैं, अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, ऐसे करीब 25 करोड़ के आसपास परिवार हैं।
और हर परिवार में चार व्यक्ति बीमार, बहुत खराब स्थिति है देश की, और बीमारियां भी भयंकर हैं। जैसे 5,70,00,000 भारतवासियों को डायबिटीज का बीमारी है जो जल्दी ठीक ही नहीं होती है। 4,80,00,000 भारतवासियों को हृदय रोग की बीमारी है। 8,00,00,000 भारतवासियों को कैंसर है, जिसमें से हर साल 25,00,000 मर जाते हैं। 12,00,00,000 भारतवासी हैं जिनको आंखों के रोग हैं, किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी को काला पानी, आंखों में काला मोतिया जिसको हम कहते हैं, किसी को रात में नहीं दिखता, किसी को दिन में नहीं दिखता, किसी को रंगों का अंतर पता नहीं चलता, किसी को रेटिनल डिटैचमेंट, ऐसी आंखों की बीमारियां 12,00,00,000 लोगों को है। 14,00,00,000 भारतवासी ऐसे हैं जिनको छाती के रोग हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। करीब 17,00,00,000 भारतवासी हैं जिनको घुटनों में दर्द है, जिसको हम गठिया कहते हैं, संधिवात कहते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, लो बीपी। पर हर समय बीमार रहें ऐसे 27,00,00,000 भारतवासी हैं जिनको हर समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, चिकनगुनिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसी बीमारी होती ही रहती है हर समय, ऐसे 27,00,00,000 है। और सबसे खराब बात है, अपने भारत में 40,00,00,000 माताएं और बहनें इतनी बीमार हैं कि उनके शरीर में खून की बहुत कमी है। खून की कमी की जो बीमारी है जिसको हम एनीमिया कहते हैं, वो भारत में 40,00,00,000 माताओं को है। और इस बीमारी के कारण परिणाम क्या निकलता है कि जो माताओं को खून की कमी है, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं वो सब विकलांग होते हैं, भूख से मरते हैं, तड़प तड़प के जिंदगी बिताते हैं। क्यों? क्योंकि जिस माँ के शरीर में खून की कमी होती है, उस माँ के शरीर में सभी चीज की कमी होती है। उस माँ के शरीर में कैल्शियम कम होगा, उस माँ के शरीर में आयरन कम होगा, उस माँ के शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, उस माँ के शरीर में विटामिन की कमी होगी, उस माँ के शरीर में मिनरल्स नहीं होंगे, उस माँ के शरीर में हर तरह की कमी आती है। जब खून कम हो जाता है तो सब चीज कम हो जाता है, और खून कम होने से दूध भी कम होता है। और जिन माताओं को दूध भरपूर नहीं होता या नहीं बन पाता, उनके बच्चे बिना दूध के मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। बहुत दुखद स्थिति है अपने देश में, हर साल 56,00,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं। एक तो वो बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि उनकी माँ के शरीर में खून की कमी है, तो बच्चे भी कमजोर होंगे, वजन कम होता है, ताकत कम होती है, और शरीर से माँ के बाहर आने के बाद उनको पेट भर के दूध भी नहीं मिलता, तो वो भूख से मर जाते हैं। हमारे देश में इससे भी ज्यादा खराब बात है कि हर साल 80 से 90,00,000 बच्चे मानसिक और शारीरिक विकलांग हो जाते हैं। आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो एक साल में अपने देश में 2,38,00,000 बच्चों का जन्म होता है हर साल, और इसमें से 56,00,000 बच्चे भूख से मरते हैं, 80 से 90,00,000 बच्चे विकलांग होते हैं, शारीरिक और मानसिक विकलांगता आती है। माने हर साल लगभग हमारे 1,50,000,000 बच्चे जो देश का भविष्य हो सकते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जो बच्चे शारीरिक और मानसिक विकलांग हो जाते हैं ना, वो पूरे जीवन भर देश के ऊपर बोझा हो जाते हैं, वो ना देश के लिए बहुत काम कर पाते हैं ना अपने लिए कुछ कर पाते हैं। और यही स्थिति पूरे देश में तब है जब हमें आजादी मिले हुए 64 साल हो गए, तो भी इतना बुरा हाल देश में। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इतनी बीमारियां क्यों हैं अपने देश में, कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि बहुत गरीबी है अपने यहां भारत में,
और 84 करोड़ लोग किसी भी तरह की दवा नहीं खा पाते गरीबी के कारण। हम बीमार पड़ते हैं तो दवा खा सकते हैं ठीक हो जाए, लेकिन दवा खरीदने के पैसे ही नहीं। ऐसे 84 करोड़ हैं भारत में लोग। हमारी भारत सरकार कहती है कि 120 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ भारतवासी इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते, मात्र 20 रुपए भी नहीं है उनके पास। एक महीने में उनकी आमदनी 536 रुपए से कम है। ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में। भैया फोन करना है तो पीछे जाइए, अगर आपको फोन पे बात करनी है तो पीछे मेरे सामने बैठ कर, सामने कोई भी बैठे तो प्लीज अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। हम 84 करोड़ भारतवासियों की गरीबी के बारे में सरकार कहती है कि वो इतने गरीब हैं कि कोई दवा नहीं खरीद सकते, पैसे ही नहीं उनके पास। ना वो एलोपैथी की दवा खरीद सकते हैं, ना आयुर्वेद की खरीद सकते हैं, ना होम्योपैथी की। बहुत गरीबी है, पेट भर के खाना भी नहीं मिलता उनको, तो 84 करोड़ लोगों को। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है देश में, और इस गरीबी के कारण बहुत सारे लोग बिना दवा के मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता उनका। और ये गरीबी पिछले 64 सालों से बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। आजादी आई तब भारत में 5 करोड़ लोग गरीब थे 1947 में, अब 84 करोड़ हो गए। मैंने गरीबी हमारी करीब 16 से 17% के बीच में बढ़ गई, जबकि जनसंख्या हमारी सिर्फ 3 गुनी बढ़ी है। जब हम आजाद हुए थे तो 33 करोड़ की आबादी थी, अब हम 120 करोड़ हैं, तो लगभग 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन गरीबी 16 से 17 गुनी बढ़ गई हमारी। जनसंख्या से भी बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है। और ये खोरी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हमारे भारत में क्या होता है कि हम हर साल सरकार को टैक्स भरते और अपने जीवन के खून पसीने की कमाई से सरकार को हम टैक्स देते हैं, और टैक्स हम बहुत ज्यादा देते हैं। दुनिया में कोई देश के लोग इतना टैक्स नहीं देते जितना हम देते हैं। अमेरिका में हम जाएं, कनाडा में जाएं, ब्रिटेन में, फ्रांस में, कोई भी देश में चले जाएं, तो वहां लोग 2 या 3 तरह के टैक्स देते हैं। एक इनकम टैक्स होता है वहां पे, एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और कहीं कहीं किसी देश में लोकल टैक्स होता है। तो 2-3 तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं दुनिया के सभी देशों में, लेकिन भारत में 64 तरह के टैक्स हमें भरना पड़ते हर साल। हमारी आमदनी है उस पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उसके लिए कॉरपोरेट टैक्स भरना पड़ता है। हम कोई सामान खरीदते हैं उस पर हमको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, उत्पादन कर देना पड़ता है, बिक्री कर देना पड़ता है, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। सड़क पे चलते हैं तो रोड टैक्स देना पड़ता है, पुल पे जाते हैं। हमने एक दिन, मैंने क्या किया, जितने टैक्स हम देते हैं उसकी सूची बनाई, तो 64 तरह के टैक्स हम देते हैं। और ये टैक्स में हर साल हम सरकार को 8.5 लाख करोड़ रुपए दे देते हैं, केंद्र सरकार 8,50,000, और फिर राज्य सरकार को अलग से देते हैं। हमारे यहाँ केंद्र सरकार अलग टैक्स लेती है, राज्य सरकार अलग लेती है, तो हम राज्य सरकारों को भी टैक्स देते हैं, फिर नगर पालिकाओं को देते हैं, नगर पालिका अलग से टैक्स लेते हैं, और कभी कभी तो जिला पंचायत और नगर पंचायतों को भी दे देते हैं, कभी ग्राम पंचायत भी दे देती है। तो एक बार मैंने हिसाब निकाला कि सारे भारतवासी एक साल में 8.5 लाख करोड़ का टैक्स तो केंद्र सरकार को देते, फिर राज्य सरकारों को, फिर नगर पालिकाओं को, सब अलग अलग टैक्स। एक आदमी साल में औसतन करीब 11 से 12 हजार रुपए टैक्स देता है, आप सब एक एक व्यक्ति, मैं भी शामिल हूं आप। हम टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं? सरकार हमारी मदद करे। इसके मदद क्या चाहिए? हम बीमार पड़े तो हमारा इलाज हो जाए,
चलने के लिए हमें सड़क मिले, ठीक से बिजली मिले, पानी मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार की व्यवस्था हो, इसीलिए टैक्स देते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है ये टैक्स के पैसे तो हमसे ले लेती है और उसी पैसे में से सारे नेता भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, लूटमार कर लेते हैं। तो टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारा पैसा ये नेता खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं। आपको मालूम है कितना पैसा खा जाते हैं? हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। वो ये कहा करते थे कि जब कोई आदमी एक रुपए टैक्स देता है और बदले में हम उसे एक रुपए खर्च करते विकास के लिए, तो उस गरीब आदमी को 15 पैसा ही मिलता है। एक रुपया तो ले लिया सरकार ने आपसे, अब उस एक रुपए के बदले में सरकार आपको 15 पैसे देती है। इसका मैंने 85 पैसा आपका खा जाते हैं नेता और अधिकारी। आप सोचो जब हर एक रुपए में से 85 पैसा लूट लिया जाएगा, क्यों दिए कि कारखाने लगे, रोजगार मिले, सड़क बने, बिजली की सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, सब काम के लिए ही तो टैक्स देते हो। लेकिन उस टैक्स में से 85% सरकार के नेता और अधिकारी लूट लेते, 15% बचता है, उसमें हमारा कुछ नहीं हो पाता, ना शिक्षा हो पाती है, ना स्वास्थ्य, ना चिकित्सा, ना कुछ ना कुछ। इसलिए भारत गरीब का गरीब है और गरीबी बढ़ रही है। इसका कारण ही है कि ये जो लूटखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, इसके कारण ये समस्या है। ये हमारी गंभीर समस्या है। दुनिया के सारे बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ये गरीबी जब आ जाती है तो सारी समस्या हमें करना है। उसके लिए हमने सोचा है कि जिनके पास पैसे नहीं है खर्च करने को, वो कुछ ऐसे इलाज करें जिसमें पैसे ही खर्च ना हो। दुनिया में ऐसे भी इलाज होते हैं जिनमें पैसे खर्च नहीं होते। तो भारत के जो 84 करोड़ लोग हैं वो ऐसी चिकित्सा करें जिसमें उनका पैसा खर्च ना हो, और उसी चिकित्सा को हम सिखा रहे हैं प्राणायाम, योग। इसके नाम से योग और प्राणायाम ऐसी चिकित्सा है जिसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। कोई भी आदमी कर सकता है, गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। इसमें बस एक ही काम करना पड़ता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को सीखना है, कैसे सांस ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है। तो हम हर आदमी को सिखा रहे हैं कि भाई आप प्राणायाम कर लो, योग कर लो, ताकि पैसे ना हो तो भी आपकी बीमारी ठीक हो जाए। और या फिर भारत के लोगों को ऐसी दवाएं बताई जाए जो बिना पैसे के मिलती है, तो वो अपना इलाज कर सकते। बिना पैसे की क्या दवाएं मिलती हैं? आयुर्वेद की दवाएं हमारे देश में लगभग सभी बिना पैसे में मिलती हैं, क्योंकि वो भगवान ने हमको दी है, प्रकृति ने दी है। और भगवान जो भी कुछ देता है, प्रकृति से जो कुछ मिलता है, वो सब निःशुल्क होता है। प्रकृति ने हमको हवा दी है, पानी दिया है बारिश का, धूप हमको दी है, प्रकृति ने तरह तरह के पेड़ पौधे दिए हैं जिनके पत्तों से हम दवा बना सकते हैं, जड़ से दवा बना सकते हैं, फल से दवा बनता है, फूल से दवा बना सकते हैं। तो ऐसी कई दवाएं हैं आयुर्वेद में जो भगवान की दी हुई है, निःशुल्क हैं। तो या तो हम लोगों को ये बताएं कि भाई ये दवा खाओ जिसमें पैसे खर्च नहीं होते, और या उनको योग प्राणायाम सिखाएं। ये दो रास्ते हैं हर गरीब आदमी को स्वस्थ बना लेंगे। तो इन्हीं दोनों रास्तों को सिखाने बताने के लिए हम लोग गांव गांव घूमते हैं। आप भी अगर इनके बारे में जान लो तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी कई गंभीर बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके बारे में ये भी बताऊंगा कि उनका इलाज कैसे किया जाए बिना पैसा खर्च किए हुए।
एक पैसा भी आपका खर्च ना हो और आपकी हर बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे कुछ इलाज हमारे आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में है। उन्हीं इलाजों को बताने के लिए हम सभी भारत में घूमते हैं गाँव गाँव। परम पूजनीय स्वामी जी भी इसी कार्य के लिए पूरे देश का प्रवास करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास कोई डायरी है, कोई पेपर है, कागज है, नोटबुक है, तो आप निकाल लो और वो इलाज लिख लो, क्योंकि ये इलाज आपके भी काम आएंगे, आपके पड़ोसियों के भी काम आएंगे। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। और योग प्राणायाम तो पूरी चिकित्सा पद्धति ऐसी ही है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं। तो अगर ये बातें आपको पता हो तो आप भी दूसरों को बताएं, और जो दूसरों को आप बताएं वो दूसरों को बताएं, इस तरह से ये बात आगे बढ़े। तो मैं आपको कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज बताता हूँ। सबसे गंभीर बीमारी इस समय देश में डायबिटीज है, शुगर की बीमारी। 5,70,00,000 लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और 3 करोड़ को होने वाली है बहुत जल्द। मैंने 8,70,00,000 लोग इस बीमारी के शिकार। और ये बीमारी आ जाए ना शरीर में तो पूरा शरीर खोखला हो जाता है। ये डायबिटीज की बीमारी में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ऐसी बीमारी है जो आपको चुप पता ही ना चले कि आप मर गए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट किलर, चुपचाप मार डाले ऐसी बीमारी। ये चुपचाप कैसे मारती है? जिनको डायबिटीज हो जाती है ना, अंदर ही अंदर उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे, पता ही नहीं चलता। जिनको डायबिटीज हो जाती है उनका लीवर खराब, जिनको डायबिटीज हो जाती है उनका खून खराब हो जाता है। और खराब खून जो है ना खतरनाक होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, नपुंसकता आ जाती है, अंधापन आ जाता है। डायबिटीज आ गया तो कुछ भी हो सकता है, ये समझ लो। और इस बीमारी का इलाज हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते। अगर किसी भी बड़े डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो कहेगा इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ या इंसुलिन की गोली खाओ। ये जो इंसुलिन है ये डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज का मरीज अगर 25-30 साल जिंदा रहे तो इंसुलिन उसको 15 साल में ही मार डालती है, क्योंकि इंसुलिन और जल्दी खराब करती है शरीर को। जितने लोग इंसुलिन लेते हैं सब बुरी हालत में जाकर मरते हैं डायबिटीज से। शरीर सड़ जाता है, अंग गल जाते हैं, खतरनाक ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी बीमारियां आ जाती हैं इंसुलिन से। तो अगर आपके पहचान में कोई व्यक्ति है ऐसा जो डायबिटीज का मरीज है और इंसुलिन ले रहा है तो उससे मना करना कि मतलब अच्छी नहीं। तो फिर पूछेगा मैं क्या करूं, तो उसको बताना कि इलाज करो योग और प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से। क्या करें? प्राणायाम करना है डायबिटीज के मरीजों में, सभी को बताना है कि 3 प्राणायाम करें रोज 1 घंटे। एक प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका, 5 मिनट हर दिन सवेरे खाली पेट। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, वो करना है 30 मिनट आधा घंटे हर दिन सवेरे खाली पेट। और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, वो करना है हर दिन आधा घंटे। तो पहला है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा अनुलोम। वैसे तो 8 प्राणायाम हम सिखाते हैं सबको, लेकिन आप जो मरीज है ना उनको कहो कि 8 करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो 3 तो जरूर करने पड़ेंगे। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे। भस्त्रिका कैसे होता है? आराम से बैठ गए, जैसे मैं बैठा हूँ आप बैठे हैं,
और आपकी जो पहली उंगली है और ये अंगूठा है, ये इस तरह से स्पर्श कर लिया, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। आप इसमें आराम से बैठ गए और धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, यही प्राणायाम है भस्त्रिका। बस यही करना है, 5 मिनट करना है लगातार, रुकना नहीं, फायदा इसका तब ज्यादा होता है। 5 मिनट लगातार हो, कोई भी कर सकता है आराम से बैठ के। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। वो क्या होता है, झटके से सांस बाहर निकालते हैं, ताकत के साथ झटके के साथ सांस को बाहर निकालते हैं, और सांस लेने के बारे में नहीं सोचते, बस निकालने के बारे में सोचते। लेने का काम तो अपने आप हो जाता है, आपको निकालना है। और जब सांस निकालेंगे तो ये जो पेट है ना, ये अंदर घुसेगा। मैं एक करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा थोड़ी। ये है कपालभाति। कितनी देर करना है, 1/2 घंटे लगातार। अगर कोई इसे 1/2 घंटा कर लेगा, बहुत प्रभावी है डायबिटीज, इतना बढ़िया ये प्राणायाम है। जिनको भी डायबिटीज 20-20 साल से, और जिनकी 20 साल से इंसुलिन। इसके बाद तीसरा प्राणायाम क्या करना है, अनुलोम विलोम। उसमें क्या है, जो दाहिनी नाक है उसको दाहिने अंगूठे से बंद करें, दाहिनी नाक, और बाई नाक से पूरी सांस निकालना है बाहर, और बाई नाक से फिर सांस भरें और दाहिनी से निकाल दें, फिर दाहिनी नाक से भरें और बाई से निकाल दें, फिर बाई से भरें दाहिनी से निकाल दें। ऐसे एक बार करके दिखाता हूं। बस इसी को करते रहे, इसको कितनी देर करेंगे, 1/2 घंटे। तो ये हो गया अनुलोम विलोम, इसके पहले वाला कपालभाति और उसके पहले भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम रोज 1 घंटे करना, 1 घंटा 5 मिनट। और इसके साथ में एक आयुर्वेद की दवा ले सकते हैं, वो दवा आप लिख लो। ये दवा क्या है, मेथी दाना हमारे घर में है, उसको लेना 100 ग्राम, और इसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लेना, 100 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना वही है जो हम अचार में डालते हैं, आम के अचार में डालते हैं, नींबू के अचार में डालते हैं, सब्जियों में डाला जाता है, वही मेथी दाना। 100 ग्राम मेथी दाना ले लें, पत्थर में पीस के पाउडर बना लें। दूसरी एक दवा है 100 ग्राम तेज पत्ता। तेज पत्ता भी हमारे घर में है, मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करते। इसको धूप में सुखा लें और पत्थर में पीस के पाउडर बनाए, तेज पत्ता 100 ग्राम। फिर एक तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली, जामुन का बीज। जामुन का फल तो हम सभी खाते ही हैं, उसका जो बीज निकलता है वो फेंकना नहीं, बहुत काम की चीज है डायबिटीज के लिए, और बाजार में भी मिल जाता है जामुन का बीज खरीदने से, तो बहुत सस्ता है, 150 ग्राम जामुन का बीज। और 250 ग्राम लेना है बेल पत्र का पत्ता, बेल पत्र वही जो शंकर भगवान को चढ़ाते। तो 250 ग्राम ले लिया बेल पत्र पत्ता, 150 ग्राम ले लिया जामुन का बीज, 100 ग्राम ले लिया तेज पत्ता, 100 ग्राम मेथी दाना। चारों को पीस लें पत्थर में और ये आपस में मिला लें, पीसने के बाद ये सब मिला देंगे, तो ये दवा तैयार हो गई डायबिटीज की। अब इसको खाएंगे कैसे, ये 1 चम्मच खानी है सुबह खाना खाने से 1 घंटे पहले,
सुबह खाने का मतलब है नाश्ता, नाश्ते से एक घंटे पहले सुबह, और शाम को भी ये लेनी है खाने से एक घंटे पहले। शाम का खाना जिसको डिनर कहते हैं उससे एक घंटे पहले, और सुबह का खाना नाश्ता उससे एक घंटे पहले, और ये हमेशा लेना है गर्म जल के साथ लेंगे तो लगभग 1.5 से 2 महीने में सबकी शुगर ठीक हो जाती है। डायबिटीज 2 महीने से ज़्यादा किसी को समय नहीं लगेगा ठीक होने में, आराम से आप अपनी बीमारी ठीक कर लेंगे। अब प्राणायाम करने में तो खर्चा कुछ नहीं होगा, और ये जो दवा बनाओगे इसमें भी मुश्किल से 20 या 25 रुपये खर्च होगा, क्योंकि मैंने ये कई बार खुद बना बना के लोगों को दी है, तो मैंने अपने घर में कई बार बना के देखा 20-25 रुपए के बीच में खर्च होता है ये पूरी दवा बनाने, और ये दवा एक एक चम्मच खानी है सुबह शाम, तो 3 महीने चलती है इतनी दवा जो मैंने बताई। अब बिल पत्र लाओगे ये तो मुफ्त में मिल जाएगा, इसके तो पैसे नहीं लगेंगे, और जामुन अगर आप खा के गुठली सुखा लोगे ये भी मुफ्त का ही पड़ेगा, लेकिन खरीदना भी पड़े तो 150 ग्राम जामुन 7-8 रुपए में मिल जाता है, और 100 ग्राम मेथी दाना 5-7 रुपए का मिल जाता है, 100 ग्राम तेज पत्ता 10-12 रुपए का, तो 20-25 रुपए। अब इतना सस्ता इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है डायबिटीज का, ये बहुत सस्ता है और बहुत प्रभावी है। ये इलाज जिसने भी किया है सब लोग ठीक हो गए, सबकी शुगर ठीक हो गई। तो ये आप कभी करो, आपको जरूरत पड़े, नहीं तो जिनको जरूरत है उनको बता दो। उनको अपने भारत में 5 करोड़ 70 लाख लोगों को इस इलाज की जरूरत है, तो जब भी कोई मिले आपको कि जिसको डायबिटीज है उसको बता दो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस इलाज को परहेज है, सावधानी है, वो ये है कि चीनी नहीं खानी है जब तक ये इलाज चलेगा, चीनी बंद कर दे, ना चाय में चीनी लेंगे, ना दूध में चीनी लेंगे, ना दही में लेंगे, ना चीनी की मिठाई खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे। ये एक सबसे बड़ा परहेज है इस दवा। आप पूछोगे जी चीनी क्यों नहीं खा सकते, चीनी बहुत खराब चीज है। चीनी की खराबी जानते हैं क्या है, चीनी बनती है एक ऐसे जहर से जिसका नाम है सल्फर। ये सल्फर को आप अंग्रेजी में तो समझ नहीं पाएंगे, सरल भाषा में समझाता हूं। सल्फर का मतलब होता है गंधक, गंधक का मतलब होता है दिवाली पे चलाए जाने वाले पटाखों का मसाला। अब समझ में आया, ये बच्चे जो दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, बम चलाते हैं, अनार चलाते हैं, ये सभी गंधक से बनते हैं सारे, और यही गंधक से चीनी बनती है, बिना गंधक के चीनी नहीं बनती। तो आप जब चीनी खाते हो तो ये गंधक आपके पेट में जाता है, और ये गंधक है ना ये खून में जमा हो जाता है, और गंधक ऐसी खतरनाक वो है रसायन कि ये चली तो जाएगी पेट में, निकलती नहीं पेट के बाहर। हमारे शरीर में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत सलत खा लें तो वो बाहर निकल जाता है, या तो पेशाब के रास्ते निकलता है, या तो पसीने के साथ निकलता है, या तो मल के साथ जो हम सुबह टट्टी करते हैं उसके साथ निकल जाता है। तो भगवान ने शरीर में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बहुत सारी गंदगी हमारी निकल, गंदगी है ये किसी से नहीं निकलती बाहर, ना पेशाब के रास्ते निकलती है, ना टट्टी में निकलती है, ना पसीने से बाहर निकलती है। और हम चीनी खाते जाते हैं ये अंदर जमा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है खून में, क्योंकि जो भी गंदगी जमा होती है वो खून में ही जमा होती है, और फिर खून धीरे धीरे इस गंदगी के कारण खराब होना शुरू होता है। और जब सल्फर से खून खराब होता है तो सबसे पहले खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको मोटापा आएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हाई बीपी हो जाएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ये एक कोलेस्ट्रॉल है ना 103 बीमारियां पैदा कर देता है,
इसलिए चीनी सबसे खराब चीज है जो हम खाते हैं। तो ये डायबिटीज के रोगी कभी भी चीनी ना खाएं, क्योंकि जहर तो जहर ही है। आज नहीं हो आपको कल हो जाएगी इसी चीनी को खाते खाते। सबसे मेरा निवेदन है कि चीनी तो कोई ना खाए। अब आप पूछेंगे भाई क्या खाए, तो गुड़ खाओ, गुड़ मिलता है कि नहीं, वो चीनी से अच्छा है। गुड़ में और चीनी में क्या क्या अंतर है ये मैं समझाता हूं। हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं ना, वो कुछ फायदा देती है। कोई चीज ऐसी है जिससे आपके शरीर को कैल्शियम मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे फास्फोरस मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे पोटेशियम मिलता है। ऐसे 18 तत्व होते हैं, हर चीज से कुछ ना कुछ मिलता है। किसी से विटामिन मिलता है, किसी से प्रोटीन मिलते हैं, है ना। लेकिन चीनी से कुछ नहीं मिलता, इसको ध्यान से सुनो। चीनी एक अकेली चीज है जिसको खाने से कुछ नहीं मिलता, ना कैल्शियम, ना आयरन, ना फास्फोरस, ना मैग्नीशियम। जो मिलता है वो सल्फर है और वो जहर है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जो काम की चीज है वो कुछ नहीं मिलती चीनी से, क्योंकि चीनी में कोई अच्छी चीज है ही नहीं। चीनी में कोई प्रोटीन नहीं है, चीनी में कोई विटामिन नहीं है, चीनी में कोई सूक्ष्म पोषक तत्व, कैल्शियम, आयरन आदि आदि नहीं। चीनी में बस एक ही है जो जहर है, वो सल्फर। और दूसरी चीनी में चीज है वो है मीठा, मीठापन। लेकिन ये जो चीनी का मीठापन है, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं सुक्रोज। विज्ञान में चीनी के मीठेपन को कहते हैं सुक्रोज। और ये सुक्रोज वो मिठाई है जो कभी भी हजम नहीं हो सकती किसी को, मनुष्य को तो होती नहीं, जानवरों को भी नहीं हो सकती। सुक्रोज हजम नहीं होता। यह ऐसी मिठाई है जो खाते लोगे मीठापन लगेगा लेकिन हजम नहीं होगी। हजम होने से मतलब, कोई भी चीज जब हजम होती है तो वो हमें खून देती है, खून बढ़ाती है। चीनी के हजम होने की कोई संभावना नहीं होती शरीर में, क्योंकि इसमें जो सल्फर है वो इसे हजम नहीं होने देता। अब दो बातें हमेशा याद रखना, कोई चीज जब हजम होती है तो खून बढ़ाती है, और जब वो चीज हजम नहीं होती तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल माने कचरा, कीचड़, गंदगी। तो चीनी खाओगे तो कचरा बढ़ेगा शरीर में, कोलेस्ट्रॉल। तो चीनी मत खाओ। अब आए गुड़। गुड़ में क्या है? गुड़ में वो सब चीज है जो हमारे शरीर को फायदा देती है। गुड़ में कैल्शियम है, गुड़ में आयरन है, गुड़ में फास्फोरस है, गुड़ में मैग्नीशियम है, गुड़ में मैग्नीज है, गुड़ में सोडियम है, गुड़ में पोटेशियम है। हमें जो चाहिए वो सब गुड़ में है, और चीनी में कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं चक्कर क्या है? चीनी भी गन्ने के ही रस से बनती है और गुड़ भी गन्ने के ही रस से बनता है, बनते दोनों एक ही चीज से, है ना। और चीनी में कुछ नहीं और गुड़ में सब कुछ। ये चक्कर ऐसा है कि जब चीनी बनाई जाती है तो उसके बनाने के चक्कर में वो सब चीजें जो गन्ने में है वो निकल जाती है। चीनी बनाने की क्रिया इतनी खराब है कि उसमें हर अच्छी चीज निकल जाती है। गन्ने के रस में कैल्शियम है, गन्ने के रस में फास्फोरस है, गन्ने के रस में मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, लेकिन चीनी बनाने के चक्कर में ये सब बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल डाले जाते हैं, वो इनको खत्म करते हैं। और गुड़ बनाते हैं तो गुड़ बनाने में कुछ नहीं होता, खाली गन्ने के रस को गर्म करते हैं और गर्म करते करते गुड़ बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा इतना करते हैं कि गुड़ बनाते समय थोड़ा दूध डाल देते हैं उसमें, ताकि उसकी सफाई हो जाए। और कुछ किसानों को मैंने देखा वो भिंडी का रस डाल देते हैं, तो भिंडी भी कोई खराब चीज नहीं है, हम उसे खाते हैं सब्जी के रूप में, और दूध तो है ही नहीं खराब। तो गुड़ बनाने में कोई ऐसी खराब चीज मिलाई नहीं जाती, इसलिए गुड़ में हर चीज है। और चीनी में खतरनाक 23 केमिकल्स मिलाते हैं। तो चीनी जहर है,
गुड़ अमृत है, गुड़ खाओ, चीनी मत खाओ, और किसी भी चीज में चीनी मत खाना। चाय पीनी है गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का, मट्ठा पीना है, छाछ पीनी है गुड़ से पियो, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, खीर बनानी है गुड़ की बनाओ। कल मैंने गुड़ की खीर खाई, बहुत स्वादिष्ट। कल रात बिलासपुर में मैं एक प्रोफेसर साहब के घर में ठहरा हूँ, उन्होंने गुड़ की खीर खिलाई, बहुत स्वादिष्ट। चीनी तो कुछ नहीं उसके साथ, तो आप गुड़ से खीर बना सकते हो, गुड़ का ये बना सकते हो, ये जो हलवा बनता है, लड्डू बनते हैं, पेड़ा बनता है, बर्फी बनती है, कुछ भी बनता है गुड़ का। और आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ कि हम तो हजारों साल से गुड़ ही खाते रहे, ये चीनी तो तब आई जब अंग्रेज आए भारत। अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी सरकार बनाई और अंग्रेजों ने एक चीनी मिल लगाई सबसे पहले सन 1868 में, और उस चीनी मिल ने चीनी बनाई, फिर अंग्रेजों की नकल कर करके हमने खाना शुरू कर दिया, तब से बीमारी लग गई इस देश। मैंने चीनी का बहुत रिसर्च किया और मैंने उस रिसर्च में ये देख पाया कि जब तक भारत में कोई चीनी नहीं खाता था, किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी का हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को लकवा नहीं मारता था, ब्रेन हेमरेज नहीं होता था, पैरालिसिस नहीं होता था, जब तक चीनी नहीं थी। पर जैसे ही चीनी घुसी इस देश में, बस सारे गड़बड़ी शुरू हो। तो आप इसे निकाल दो और इसके स्थान पर गुड़ हुआ, गुड़ खाओ। और एक छोटी सी बात मुझे समझानी है आपको, आगे बढ़ने दो, उसको निकल जाने दो। ये कुछ नहीं करती भाई, ये कोई काटती नहीं है आपको, इसके दांत नहीं होते। आप हिंदुस्तान की कोई भी चीनी मिल को देखोगे, वो कोई ना कोई भ्रष्ट और कमीने हरामी नेता की है। हाँ, मैं तो पूरे देश में घूम चुका हूँ, सारी चीनी मिल, 419 चीनी मिले हैं देश में, सब देखी है मैंने, और वो सब बेईमान नेता की। कुछ महाराष्ट्र के नेता हैं उनकी हैं, कुछ कर्नाटक के हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ तमिलनाडु के, कुछ उत्तर प्रदेश के। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम चीनी खरीद रहे हैं तो हमारे सारे पैसे कमीने और बेईमानों के घर जा रहे हैं, और बेईमानी कर रहे हैं और लूट रहे हैं देश को। तो एक तो चीनी खा के हम बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर से ये बेईमान देते पैसे वाले हो रहे हैं, तो ये चीनी मत खरीदो, तो बेईमान हो हराम ही नेताओं के पास पैसे तो ना जाए आपके, इसकी जगह गुड़ खरीदो, गुड़। और गुड़ कौन बनाता है? वो गरीब किसान बनाते हैं। तो आपने जो गुड़ खरीदा तो वो पैसा किसी गरीब किसान के घर जाएगा और उसकी गरीबी मिटाएगा, और चीनी खरीदी तो वो बेईमान और हरामी नेता के घर जाएगा। तो आप सोचो कहां भेजना है आपका पैसा। मेरी बात तो मान लो, गरीबों को दे दो, किसानों को दे दो, उनको जरूरत है आपके पैसे की। और मैंने देखा कि ये जो बेईमान नेता चीनी मिल चलाते हैं, ये किसानों का बहुत शोषण करते हैं। शोषण पता है कैसे होता है? जहां चीनी मिल लगाई जाती है उस पूरे एरिया में कानून लगा देते हैं ये नेता कि जिसके खेत में, अब किसान की मजबूरी है, कानून बना दिया, नहीं देंगे तो पुलिस पीटती है डंडे से, गोली चलाती है। तो किसान बेचारे अपना गन्ना सब चीनी मिल में डाल के आते हैं, और ये चीनी मिल वाले हरामी नेता 3-3 साल किसानों का पेमेंट नहीं करते, 3-3 साल, 4-4 साल। गन्ना ले लिया जबरदस्ती, चीनी बनाना और बेच ली, और पैसे नहीं देते, कहते 3 साल बाद मिलेंगे, 4 साल बाद मिलेंगे। फिर उन किसानों को आंदोलन करने पड़ते हैं, सड़क जाम करते हैं, रास्ता रोको करते हैं, पुलिस की गोली चलती है, किसान मरते हैं, ये रोज तमाशा होता है। तो एक तो किसानों का शोषण बहुत होता है ये चीनी के चक्कर, और शोषण पता है दो तरह का, एक तो उनका गन्ना बहुत सस्ता बिकता है, ये चीनी तो बहुत महंगी बिकती,
गन्ना बहुत सस्ता ले लेते हैं, चीनी बिक रही है 35-40 रुपए किलो, और गन्ना मुश्किल से किसानों का बिकता मुश्किल से 1.5 से 2 रुपए किलो, तो बहुत शोषण है। हमारा शरीर भी खराब हो रहा है, नेताओं के पास पैसे बेईमानी के इकट्ठे हो रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। तो मैं सोचता हूं कि एकमात्र इसका समाधान है कि चीनी हम ना खाएं, पैसे नहीं जाएंगे नेताओं के पास, और गुड़ खाएंगे तो सारे पैसे किसानों को मिलेंगे। मैंने इसका हिसाब निकाल के देखा कि एक साल में हम जितनी चीनी खाते हैं, अगर उतना ही गुड़ खाएं, जितने रुपए की चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाने लगे, तो 15 करोड़ भारत के किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते। 15 करोड़ किसान है जो बहुत दुखी है, गन्ना पैदा करते हैं और तो गुड़ खाओ भाई, और गुड़ भगवान जी को भी खिलाओ, हाँ माने भगवान जी का प्रसाद बनाओ ना, तो चीनी का मत बनाओ, पाप लगे गुड़ का। मैंने देखा है भगवान जी को भी चीनी खिलाने लगे, खुद तो मरेंगे भगवान जी को भी डायबिटीज कराएंगे। हाँ तो प्रसाद प्रभाव तो गुड़ का पड़ा, ईश्वर को भी वही खिलाओ भाई जो अच्छा है, तो आप सब गुड़ खाएंगे चीनी बंद करेंगे, डायबिटीज तो सबकी ठीक होनी ही है, और जो गुड़ खाएंगे उनको डायबिटीज होगी नहीं। और एक आखिरी बात करता हूँ, आप गुड़ खाओगे तो क्या खाएगा, आप खाना खाते हो ना, खाना कितना भी खाना खाओ उसके पीछे से थोड़ा बहुत जरूर खाओ। आयुर्वेद में कहा गया है भोजन के अंत में थोड़ा गुड़ खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, इसलिए कि जो खाना है ना वो बहुत जल्दी हजम होता है। आप में खाना खा लिया, अगर आप गुड़ नहीं खाओगे तो वो खाना 6 घंटे में हजम होगा, और गुड़ खाना है तो 4 घंटे में हजम होगा। वही खाना बिना गुड़ खाए 6 घंटे में हजम होता है, लेकिन गुड़ खा लोगे तो 4 घंटे में ही हजम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, गुड़ से खाना बहुत जल्दी हजम होता है। तो खाने के बाद गुड़ खा लिया, इतना तो खा लोगे थोड़ा सा, ठीक है, और बच्चों को सिखा दो बचपन से। अब एक और छोटी सी बात है कि जब आप गुड़ खरीदना बाजार से तो देख के खरीदना। आजकल कुछ गुड़ ऐसा आ गया है जो बहुत सफेद होता है दिखने में, एकदम सफेद और काफी पीला पीला, ये गुड़ अच्छा नहीं है, बहुत सफेद दिखाई देता है, ये सारे गुड़ में निर्मा वॉशिंग पाउडर मिला है। मैंने देखा अपनी आंखों से बनते हुए, सबसे ज्यादा गुड़ बनता है महाराष्ट्र कोल्हापुर, और वहां मैं बहुत घूमा, मैंने देखा कि सफेद करने के चक्कर में निर्मा पाउडर मिला है, और जो किसान ये बनाते हैं उनसे मैंने कहा भाई क्यों करते हो ऐसा काम, करोगे सबसे पहले आपका मोटापा कम हो जाएगा, वजन कम हो, दूसरा ये घुटने का दर्द कम हो जाएगा चीनी छोड़ने, चीनी जैसे ही छोड़ोगे एसिडिटी खत्म हो जाएगी, पेट में जलन होती है गैस बनती है ये नहीं बनेगी, चीनी छोड़ोगे नींद बहुत अच्छी आएगी, चीनी छोड़ते ही बीपी कम हो जाएगा, चीनी छोड़ते ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा, ये जहर है ना ये सब कम हो जाएगा चीनी छोड़ के, तो आप स्वस्थ ज्यादा हो जाओगे। तो ये बात आज से अपने जीवन में शुरू करो, आगे चले। और एक दूसरी बीमारी की बात करें, ये तो डायबिटीज का किस्सा हो गया लंबा हो गया, तो अब एक दूसरी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना है, सबको तो 3 प्राणायाम करने हैं, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, 3 तो रोज करने। और दवा कौन सी खानी है, आयुर्वेद की बहुत सस्ती और बहुत अच्छी एक दवा है दालचीनी, जो अपने घर में ही मिल जाती है, ये खानी है दवा। और दालचीनी कैसे खाएंगे, दालचीनी को धूप में सुखा के पत्थर में पीस लेना, पाउडर बन जाएगा,
और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खाना रोज सुबह खाली पेट। और अगर थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए है तो इस दालचीनी पाउडर में शहद मिला के खाना, आधा चम्मच शहद आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। शहद मिलाना जरूरी नहीं है लेकिन अगर मिलाओगे तो परिणाम अच्छा है, नहीं तो बिना शहद के भी खाओ बीपी तो ठीक ही होगा दालचीनी पाउडर से। तो लो हाई जरूर ठीक है? नहीं, हाई के लिए बोल रहा हूँ, लो के लिए बाद में बताऊंगा। तो हाई बीपी ठीक होगा दालचीनी से। और एक दवा है हाई बीपी ठीक करने के लिए, मात्रा आधा चम्मच नहीं मतलब टोटल कितना, जैसे अपन ने तीन महीने की बताया। हाँ, डेढ़ दो महीने, बस दो महीने से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 100 ग्राम 200 ग्राम? अरे नहीं भैया, 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, आधा चम्मच रोज खाओगे लगभग 150 ग्राम दो महीने चल जाएगा। एक दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। मेथी दाना ये जो है ना डायबिटीज भी ठीक करती है, ये हाई बीपी को भी ठीक करती है। इसको आधा चम्मच ले लो मेथी दाने को, एक गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दो, पर रात भर इसको पड़ा रहने दो पानी में, सवेरे उठ के वो पानी पी लो, बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है, 1.5 से 2 महीने में ठीक कर देगा। एक तीसरी दवा है अपने घर में हाई बीपी के लिए, बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है छत्तीसगढ़ में, सब जगह मिलता है, क्या कहते हैं? तो ये जो गहुहर है या अर्जुन है, इसकी छाल बाजार में मिल जाती है, पत्थर में पीस लो पाउडर बन जाएगा। आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर गर्म पानी से लेना है, और अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो शहद मिला के, नहीं है शहद तो कोई जरूरी नहीं, ऐसे ही लेना गर्म पानी से, ये भी हाई बीपी ठीक करता है। और ये जो अर्जुन छाल है ये हाई बीपी तो ठीक करेगा, ये हृदय की बीमारियों को भी ठीक कर देता है। हृदय में क्या है, जैसे आपको ब्लॉकेज है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करो एंजियोप्लास्टी, 2 लाख खर्च होगा, आप बिल्कुल मत करो, आप ये खाओ अर्जुन की छाल ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूँ अपने घर में हाई बीपी की, लौकी का रस पियो 1 कप हर दिन खाने के, लौकी का रस 1 कप निकालो, उसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालो, पुदीना पत्ता डालो, तुलसी पत्ता और काला मिर्च, 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और 3-4 काली मिर्च, ये सब पीस के डालो और 1 कप लौकी के रस में मिला के पी रखता है लौकी का रस, हृदय की बीमारियां भी खत्म हो जाती है। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई बीपी की, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो तो, बेली पत्र के पत्ते, ये हाई बीपी को भी ठीक करते हैं और ये शुगर को भी ठीक करते हैं डायबिटीज। बेल पत्र के पत्ते 5 दो, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बना, फिर उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करो, इतना गर्म करना कि पानी आधा हो जाए, तो ये बहुत जल्दी हाई बीपी को ठीक करता है। मैंने देखा कि 20-20 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान थे और रोज दिन में 3-3 बार गोलियां खाते थे, ये बेल पत्र के पत्ते ने सबकी गोली बंद कराई, सबकी दवा बंद कराई और 1.5 से 2 महीने में सबका ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया। 20 साल पुरानी बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो। तो प्राणायाम करना है और उसके साथ ये इतनी सारी दवाएं ना, कुछ लोग गलती कर देते हैं, उनको क्या लगता है सब मिला कर खा जाए, मरने की आदत हो जाएगी भाई, एक ही खाना, चाहे तो दालचीनी, चाहे तो मेथी का दाना, चाहे तो अर्जुन की छाल, नहीं तो बेल पत्र के पत्ते का दाना या तो लौकी का रस, कोई यही नहीं। और एक सबसे बढ़िया दवा बताता हूँ, बिल्कुल मुफ्त की दवा है, बहुत अच्छी, गाय मूत्र की वो आधा दो, गोमूत्र, देशी गाय का आधा कप मूत्र सवेरे खाने के कोई भी पिएगा, उसी का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सबसे जल्दी ठीक होता है।
बहुत अच्छी चीज है। जिनको भी लो बीपी है उनको कहो कि गुड़ का पानी बनाए, पानी में गुड़ मिलाए, फिर नमक मिलाए और नींबू का रस, और इसको दिन में 2-3 बार पिए, 1 गिलास पानी, 15-20 ग्राम गुड़ और थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी या 2 चुटकी भी ले सकते हैं, और नींबू का रस, ये चारों मिला के सुबह शाम कम से कम 2 बार, नहीं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार ये लो बीपी को ठीक करें। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं खर्च करने के लिए, वो अनार का रस पिए, 1 कप अनार का रस थोड़ा नमक डाल के रोज सुबह पिए, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी का, अंगूर का रस पिए, 1 कप अंगूर का रस नमक डाल के रोज पिए। और एक अच्छी दवा है लो बीपी, मिश्री खाए मक्खन मिला रहने तो ये मत चलो आवाज करेगा, मक्खन है ना मक्खन, उसमें मिश्री मिला के मक्खन, मिश्री है सबके घर में, मक्खन भी सबके घर में है, तो ये खाए रोज खाए, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, ये जो दूध होता है इसमें घी मिला के, 1 गिलास दूध गाय या भैंस का हो और उसमें घी मिला दो, चाहे गाय का या भैंस का, रोज पियो 1 चम्मच घी और 1 गिलास दूध, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, गन्ने का रस नमक मिला के, संतरे का रस नमक मिला के, मौसमी का रस नमक मिला के, अनानास का रस नमक मिला के, कुछ ना मिले तो घर में वो किशमिश है ना, किशमिश इसे किशमिश लोग रात को किशमिश पानी में देखो 10-15 सवेरे उठ के उसको चबा के पीछे से वही पानी दिए। और एक सबसे सस्ती और अच्छी दवा बताता, जो सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है, खाली पानी में नमक मिला कर दीजिए, नमक का पानी 1 गिलास पानी और खूब अच्छे से उसमें नमक डाल के पी के सुबह दोपहर शाम सबका मैं बीपी ठीक हो। ये गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज, जितने ज्यादा गरीब लोग हैं ना सबको लो बीपी की शिकायत, आप उनको इतना ही बता दो कि भैया नमक ज्यादा खाया करो, पानी में मिला मिला के पीते रहो, तो उतने से ही उनका लो बीपी ठीक हो जाए। आगे चलते और एक गंभीर बीमारी की बात करें, छाती की बीमारी है दमा अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा, इसकी दवा क्या है अपने घर में, एक तो दवा है दालचीनी जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था गर्म पानी के साथ, थोड़े पैसे हैं तो शहद मिला के खाना, 1/2 चम्मच दालचीनी 1/2 चम्मच शहद दोनों मिला के गर्म पानी ब्रोंकियल अस्थमा। और एक दूसरी बिल्कुल मुफ्त की दवा बताता हूं, गाय मूत्र पे 1/2 कप तो दमा बिल्कुल ठीक होता है, दमा भी ठीक होगा, अस्थमा भी ठीक होगा, ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक होगा। और ट्यूबरकुलोसिस, गाय गर्भवती है उसका मूत्र नहीं पीना कभी भी, जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र सबसे अच्छा है, कुमारी गाय बछड़ी तो दमा अस्थमा ठीक करता है, टीबी ठीक करता है। अगर आप टीबी के लिए अंग्रेजी दवा खाओगे तो 9 महीने लगते हैं ठीक होने में, लेकिन गोमूत्र पियोगे तो 3 महीने में ही टीबी ठीक हो जाएगा। और मैंने इसके बहुत परीक्षण देखे हैं करके कि किसी को अंग्रेजी दवा हम देते हैं टीबी ठीक होने के लिए तो उसकी टीबी बार बार होती है, थोड़े दिन ठीक रहता है फिर दोबारा हो जाती है, फिर ठीक रहता है फिर हो जाती है, लेकिन जिसने गोमूत्र पी लिया उसको टीबी दोबारा कभी नहीं होती। इसलिए टीबी बहुत अच्छे से गोमूत्र से ठीक हो जाता है। आगे चले पेट की कुछ बीमारियों की बात करें, पेट में कब्जियत हो जाए कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना हो, मल ना निकले ठीक से, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है अजवाइन। कच्चा अजवाइन होता है घर में है, इसको 1/2 चम्मच ले लो और इसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाओ, गुड़ और अजवाइन
दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से गर्म पानी पियो, और रात को सोते समय करना ये काम, तो सुबह उठते ही एक ही बार में पेट साफ हो जाता है। ये कब्जियत रह ही नहीं सकती, अजवाइन और गोश्त रात को लेना है, लेकिन सुबह नहीं, रात को सोते समय। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, त्रिफला चूर्ण, हर रहेड़ा आमले से बनता है त्रिफला, एक चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय ले लो, या तो दूध से नहीं तो गर्म पानी से, ये भी पेट साफ करता है। और एक तीसरी दवा है अनार का रस पियो रोज, ये पेट साफ करता है, या चबा चबा के अनार के दाने खाओ, ये पेट साफ करता है, अमरूद खाओ, इससे पेट साफ होता है, खीरा और टमाटर खाओ, बहुत पेट साफ करता है। रात को दूध में घी मिला के पियो, सुबह उठते ही पेट साफ होगा आपका। और सबसे फोकट की दवा बताता हूं पेट साफ करने, खाने को चबा चबा के खाओ, तो कभी भी पेट तुरंत साफ होगा, जितना खाना पेट खराब हो गए नहीं करें, ठीक है। और एक मुफ्त का इलाज है पेट साफ करने का, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पिया करो, और पानी ऐसे पीना चाहिए, देखो मुंह में भर लिया थोड़ा, एक घूट पानी, और फिर ऐसे ऐसे करो, चारों तरफ घुमाओ उसको, तो लार है ना वो पानी के साथ मिलके अंदर जाएगी, तो जितनी ज्यादा लार आपके मुंह से पेट में जाएगी, पेट उतना ही साफ होगा। तो या तो चबा के खाने की आदत डालो, तो भी लार ज्यादा पेट में जाएगी, पानी को घूट घूट पीना शुरू करो तो पेट साफ होने आता है। आगे चले, दस्त हो जाए तो दस्त की दवा क्या है, दस्त की दवा अपने घर में डिसेंट्री डायरिया की दवा है कच्चा जीरा, कच्चा जीरा आधा चम्मच चबा चबा के खा लो एक बार बस, जब दस्त हो जाए ना तो कच्चा जीरा चबा के खा लो, पीछे से थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, एक खुराक में ही दस्त ठीक कर देता, दूसरी खुराक लेनी नहीं पड़ती, अगर लेनी पड़े तो एक सुबह लेना दूसरी शाम को, दो खुराक से ज्यादा तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती, जीरा बहुत अच्छी दवा है। और एक दवा है दस्त की, कच्चा दूध आधा कप ले लो, और नींबू निचोड़ के जल्दी पीना उसको, क्योंकि नींबू डालते ही दूध फटता है, फटने से पहले पी जाना है, आधा कप दूध आधा नींबू, दूध गर्म नहीं करना, कच्चा रखना, नींबू निचोड़ के पी लो, एक खुराक में ही दस्त ठीक हो, इसमें दूसरी खुराक लेना है एक ही बात। और एक अच्छी दवा है दस्त बंद करने की, ये बेल पत्र का जो फल मिलता है ना, बेल का फल, उसके अंदर का जो गूदा होता है, ये बहुत अच्छी दवा है दस्त रोकने की, बेल का गूदा खा लो एक दो चम्मच, पीछे से पानी पी लो, या बेल का चूर्ण मिलता है बाजार में, एक चम्मच बेल चूर्ण ले लो गर्म पानी से, दस्त तुरंत रोक देगा। और एक और बीमारी है दस्त के साथ साथ, आंतों में मरोड़ अगर है, कोलाइटिस जिसको हम कहते थे, इसकी बहुत अच्छी दवा है अनार का रस, अनार का रस ले लो एक कप या आधा कप ले लो, और उसमें बेल का रस मिला लेना, ये जो बेल का फल है, आधा कप अनार का रस आधा कप बेल का रस, या एक कप अनार का रस एक चम्मच बेल का चूर्ण मिला के पी जाओ, तो कोलाइटिस सबसे जल्दी ठीक होता है इससे। और मैं अच्छी कुछ दवाएं बताता हूँ आपको, बवासीर हो जाए, बवासीर है, बगंदर है, मूड़ व्याध है, फिशुला है, फिशर है, पाइल्स जिसको कहते हैं वही बवासीर, इसकी बहुत अच्छी दवा है मूली का रस पी, एक कप मूली का रस खाना खाने के घंटे भर बाद, मूली का रस, ये बिल्कुल बवासीर ठीक करता है, और बीसियों साल पुरानी बवासीर ठीक करता है। और बवासीर दो तरह की होती है, एक खूनी होती है एक बादी,
दोनों ठीक होती है इससे, मूली के रस से। और मूली के रस से ये भी ठीक होता है, फिशुला फिशर बगंदर जिसको हम कहते हैं, ये भी ठीक होता है। और एक दवा है बवासीर और बगंदर की, वो है अंगूर का रस, काले वाले जो अंगूर आते हैं उसका एक कप रस कोई भी पिए तो उससे ठीक करेगा बवासीर बगंदर। अनार के रस से भी ठीक हो जाता है बवासीर बगंदर। एक और बहुत अच्छी दवा है बवासीर की, कपूर, जिसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं कपूर, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा केले में लगा के खा लो, ये तुरंत ठीक करता है बवासीर बगंदर। और ये जो कपूर है ना, ये रोज नहीं खाना, मुश्किल से महीने में दो ही बार, बहुत अधिक तो महीने में तीन बार, इससे ज्यादा नहीं, उतने में तो ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूँ, घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया संधिवात, इसकी बहुत अच्छी दवा है मेथी हल्दी सौंठ। मेथी ले लो 100 ग्राम, हल्दी ले लो 100 ग्राम और सौंठ ले लो 100 ग्राम, तीनों को पत्थर में पीस लो, पीस के बना लो पाउडर। हल्दी तो पिसी हुई आ जाती है, सौंठ और मेथी पीस लो। अब इसको पीस के कैसे, अब इसको खाने कैसे, एक चम्मच दवा खानी है सुबह, निकाल ले एक बार, नाश्ता करने से घंटे भर हाथ में लगातार 3 महीने ले लो, गठिया बिल्कुल ठीक सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते और फूल में खुशबू बहुत होती है और फूल की डंडी हमेशा नारंगी रंग की, लाल रंग की रहती है, केसरिया रंग की। और फूल सवेरे सवेरे एकदम जमीन पे पड़े हुए मिलेंगे, रात को फूल खिलेंगे और सवेरे जमीन पे गिर जाएंगे। ये पेड़ है हारसिंगा, इसके 5 पत्ते ले, 5, और 5 पत्ते पीस के बनाना चटनी, और जितनी चटनी बनी करीब 1/2 चम्मच करीब चटनी बनेगी 5 पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के और खूब गर्म करना, इतना गर्म कर देना कि पानी आधा हो जाए और फिर इसको ठंडा कर लेना और ठंडा करके पी लेना और सवेरे खाली पेट पीना। तो जिनको 20-20 साल से गठिया की बीमारी है 2 महीने में ही ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी दवा है। और मैंने देखा इससे और एक बड़ी बीमारी ठीक होती है, जब किसी के घुटने घिस जाते हैं बुढ़ापे में और डॉक्टर कहता है नहीं घुटने लगाओ, तो कोई जरूरत नहीं, ये हर सिंगार के पत्ते का काढ़ा पियो, पुराने घुटने ही काम आना शुरू हो जाते। तरीका वही है, 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीसो, चटनी बनाओ, 1 गिलास पानी में खूब गर्म करो, पानी आधा हो जाए। बुढ़ापे के लोग माने बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जिनको बहुत तकलीफ होती है चलने में क्योंकि घुटने का दर्द कमर का, उनको सबसे अच्छी दवा है, लगभग 2 महीने, ज्यादा बूढ़े लोग हैं तो शायद 3 महीने भी काम आती है, लेकिन जवानी। एक बुखार का नाम आपने सुना है चिकनगुनिया, एक और बुखार है डेंगू, जिसमें ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते बुखार, मार डालते हैं आदमी, लेकिन ये सब बुखार इससे ठीक हो जाते हैं हार सिंगार के पत्ते के काढ़े से। बहुत बढ़िया पेड़ है, इसको घर में जरूर लगा लें, बुखार भी ठीक करेगा, गठिया के रोग भी ठीक करेगा। और सब बुखार में इसको 3 दिन से ज्यादा नहीं देना, बस 3 दिन में ठीक कर देगा बुखार। गठिया के रोग में तो 3 महीने तक ले सकते हैं, बुखार में 3 दिन से ज्यादा नहीं। आगे चल जाए और कुछ दवाएं और बता देता हूँ। एक और अच्छी दवा है बुखार की, उसका नाम है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता 10 से 15 तोड़ लो
पत्थर में पीसो, तीन चार काली मिर्च है उसको भी पत्थर में पीसो, और ये तुलसी और काली मिर्च मिला कर और ये दवा है बुखार के लिए। नीम के पेड़ पर एक बेल चलती है, उसको गिलोई कहते हैं, कोई लोग अमृता कहते हैं, कोई लोग गुरुची कहते हैं, कोई लोग गुरुच कहते हैं। वो बेल का छोटा सा टुकड़ा काटो, पत्थर में पीस के पानी में उबालो, उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पीना। ये हर बुखार को ठीक करता है। और कई बार जब बुखार ज्यादा हो जाए ना, तो फिर शरीर में खून के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कम हो जाते हैं, और कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बुखार ज्यादा होने से। तो ये जो नीम की गिलोय है, ये दोनों को ठीक करते हैं, WBC बढ़ा देती है और ये भी ठीक करते हैं। ये अगर घर में लगा दिया आपने तो एक भी मच्छर घर में नहीं घुसता। घर के आसपास मच्छर घूमते रहेंगे, अंदर अमृता नीम की गिलोय गुरुची दवाओं की बात करें, जैसे सिर दर्द की कुछ दवाएं बता दो। सिर दर्द की सबसे अच्छी दवा अपने घर में है गाय का घी। गाय घी को गर्म कर लो हल्का, और इसकी एक एक बूंद दोनों नाक में डाल के सो जाओ। गाय घी हल्का गर्म करो और वो ड्रॉपर से घी भरो और नाक में एक एक बूंद डालो और सो जाओ। इससे सब तरह का सिर दर्द ठीक हो जाता है 15-20 दिन, और ये रात को ही करना है सोते समय। और ये गाय घी कोई नाक में डाले ना तो खराब खराब बीमारियां ठीक होती हैं इससे। जैसे किसी के नाक से खून आता है नक्सीर, उसकी ये सबसे अच्छी दवा गाय का। किसी व्यक्ति के नाक से हर समय छींक आती रहती है, पानी निकलता, उसकी सबसे अच्छी, नाक में हड्डी बढ़ गई पॉलिप हुआ, उसकी सबसे अच्छी दवा गाय का। और एक खराब बीमारी है जिसको हम साइनस कहते हैं, साइनस की सबसे अच्छी दवा है ये गाय का दूध, हल्का गर्म करो नाक में डालो सो। और एक बहुत खतरनाक बीमारी है स्नोफीलिया, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का दूध। स्नोफीलिया में क्या होता है, हर समय सर्दी खांसी होती रहती है, बहुत जल्दी ठीक करता है सर्दी खांसी। रात को कई लोग सोते हैं ना तो उनकी नाक से संगीत निकलता है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है। कई लोग सोते समय ऐसी ऐसी आवाजें निकालते हैं कि वो तो मस्त सोते हैं, बिस्तर पे करवटें ही बदलते रहते हैं रात भर, उनकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी, रोज नाक में डाल के सो। और एक दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता, उनको कहो नाक में घी डालते रहे 6 से 8 महीने, ठीक होता है। और एक सबसे खतरनाक और बीमारी है मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं गाय के घी से। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको कहो रात में घी डाल के नाक में सोए। मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनको साल भर तक डालना पड़ेगा, सब ठीक हो जाता है। और ये जो विद्यार्थी हैं इनके लिए बहुत अच्छी दवा है, जिनको याद कुछ नहीं रहता, भूल जाते हैं सब कुछ, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये गाय का घी। स्मरण शक्ति बहुत तेज कर देता है ये गाय का घी, बहुत बढ़िया है ये गाय का घी। और इसकी सबसे बड़ी एक खास बात है गाय घी की, कि ये जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। पुराना मिले ना तो पुराना गाय का घी नाक का कैंसर ठीक कर देता है। नाक का कैंसर दुनिया में जल्दी ठीक नहीं होता, गाय घी ठीक कर देता है उसे। मिले नहीं तो बता देना मुझे, 10 साल पुराना 20 साल पुराना हम खरीदना चाहते हैं, 1000 रुपए किलो में भी हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन गारंटी हो कि वो उतना पुराना है। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि आप गाय का घी रखते जाओ थोड़ा थोड़ा, तो ये आपके लिए किसी दिन बहुत काम का है। एक शीशी में भरते जाओ,
क्योंकि कांच की शीशी में ये खराब नहीं होता, वैसे तो मिट्टी के घड़े में भी खराब नहीं होता, लेकिन कांच की शीशी में आप थोड़ा थोड़ा बना के घर में इकट्ठा करते जाओ तो बहुत पुराना हो गया ना तो बहुत काम का है। आगे चले, कुछ और बीमारी, आंख की बीमारियां। आंख से दिखाई कम देता है, रोशनी कम हो गई, मोतियाबिंद हो गया, काला मोतिया हो गया, इन सब की बहुत अच्छी दवा है गाय का मूत्र, एक एक बूंद आंख में डालना सवेरे ताजा। गाय का सवेरे सवेरे का जो मूत्र होता है ना वो डालना एक एक बूंद आंख में, आंख की सब बीमारी ठीक कर देता है, मायोपिया ठीक करता है, रेटिनल डिटेचमेंट ठीक करता है, कॉर्निया की बीमारियों को ठीक कर देगा। आंख में बहुत खराब बीमारी है आजकल हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, सब ठीक करता है गाय मूत्र, बहुत अच्छी दवा है। परहेजी वही है, गर्भवती गाय का नहीं लेना, हमेशा मूत्र जो है ना कुमारी गाय का ही अच्छा होता है, हमेशा हर बीमारी में। और कुछ बताता हूं, गले की बीमारी, माफ करना पहले अभी कान की छूट गई, आंख के बाद कान, नाक हो गया, आंख हो गया, कान, और सिर तो हो ही गया। कान की बीमारी में भी गोमूत्र बहुत अच्छा है, जैसे कान से सुनाई कम देता है, कान में हर समय आवाज आती है, कई लोग ऐसे हैं जिनको कान में हम ऐसी आवाज आती ही रहती है, या कान में से गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है, मवाद निकलता है, छोटे बच्चों को कई बार होता है, तो कान में एक एक बूंद गोमूत्र डाल दो कुमारी गाय का, बहुत जल्दी ठीक करता है कान को। मैंने देखा, मैंने खुद करके देखा कई बार, कान में बहुत तेज दर्द है, एक बूंद गोमूत्र डालो एक ही मिनट में दर्द बंद हो जाता है, एक ही मिनट में, दांत में नहीं काम आता है, बता दूंगा दांत का भी, तो कान का दर्द तो तुरंत बंद होता है। और गले के लिए, गले में कुछ भी तकलीफ हो जाए, जैसे गले में खराश है, गोमूत्र भरो और कुल्ला करो उसका, गड़गड़ गड़गड़ करके थूक दो, तुरंत ठीक कर देता है गले, बोलते बोलते आवाज बैठ जाए, गोमूत्र पी लो ठीक कर देगा। गले में सूजन आ जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, सब गोमूत्र ठीक करता है। और एक अच्छी दवा और है, गोमूत्र तो है ही, इसके अलावा गले की एक दवा है हल्दी। हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी सीधे मुंह में अंदर डाल लो, गले में चम्मच भरो और अंदर डालो यहाँ पे, और चुप करके थोड़ी देर बैठ जाओ, तो ये हल्दी गले में लार के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हर बीमारी ठीक करेगी, एक ही खुराक। हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता है ना टॉन्सिलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने, उसी में ठीक हो जाए। बच्चों का कई बार हम ऑपरेशन करा देते हैं, मत कराना कभी भी टॉन्सिल का ऑपरेशन मत कराना, ये हल्दी है अपने घर में बहुत अच्छी। और गले और छाती की कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी है, खांसी में हल्दी बहुत काम की है, हल्दी को ऐसे ही सीधे गले में डाल दो, खांसी एक मिनट में बंद होती है, और हल्दी को दूध में डाल के पी लो तो भी खांसी ठीक होती है। हल्दी को अदरक लगा के, अदरक है ना, अदरक, अदरक को भून लो तवे पे या तो आग में, और उस पर थोड़ी हल्दी डाल के मुंह में चूसना शुरू करो, तो सबसे खतरनाक खांसी इसी से ठीक होती है, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। वूपिंग कफ का मतलब होता है खांसते 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 दम निकल जाए आदमी का, ऐसी खांसी। तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा भून लिया और हल्दी मिला के मुंह में डालते ही खांसी बंद। अदरक का रस निकाल सकते हैं तो वो पी लो, अदरक का रस एक चम्मच और उसमें मिलाओ एक चम्मच शहद, और थोड़ा सा मिलाओ एक चम्मच पान का रस, पान यही जिसको हम खाते हैं, तो अदरक शहद और पान तीनों का रस एक एक चम्मच ये पी ले कोई भी हल्का गर्म करके, तो खराब से खराब खांसी ठीक हो जाए। खांसी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस गर्म करके पी लो तो भी खांसी ठीक हो जाए।
ये जो अमरूद है ना, अमरूद अमरूद को गर्म करके खा लो, ये तुरंत खांसी बंद करा देता है। ऐसे अमरूद खाओगे ना तो खांसी बढ़ाता है, लेकिन गर्म करके खाओ तो खांसी खत्म कर देता है। यही अमरूद। काली मिर्च है, काली मिर्च ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है, मुंह में डाल के चूसो तुरंत खांसी को। लौंग बहुत अच्छी दवा है। अब लौंग का नाम याद आया तो आपको बताता हूं, ये इतनी बढ़िया चीज है, ये तो कई बार कफ की हर बीमारी में काम आती है, लौंग तो आप जानते हैं, लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उपयोग किया है और इतने बढ़िया परिणाम है, आप सबको बताना। ऐसे कोई भी भाई पुरुष जिनके वीर में शुक्राणु नहीं बनते, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। उनको लौंग का पानी कहो, रोज पिए। और एक लौंग का तेल भी आता है बाजार में, तो एक बूंद लौंग का तेल एक चम्मच गर्म पानी में डाल के रोज पिए, तो इतने शुक्राणु बनते हैं वीर में, हमें कई बार चमत्कार लगता है मुझे। ऐसे कई पुरुष जिनके 10-10 साल से शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे, यही एक कारण से, उनको मैंने 3 महीने लौंग का तेल दिया एक एक बूंद, और अभी सब बाप बन गए। हाँ, मतलब ये है, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। बहुत बढ़िया है ये लौंग, कफ में खांसी में कई जगह काम आती है, बुखार में भी काम आती है। और एक दो दवाएं ऐसी बताता हूँ, जैसे ये लौंग है ना, ऐसी एक और दवा है अपने घर में, वो भी नपुंसकता को ठीक करती है, चूना। ये पान में जो हम चूना खाते हैं ना, ये चूना गेहूं के दाने के बराबर दही में मिला के किसी को भी खिलाओ, वीर में शुक्राणु बहुत बनते हैं। और गन्ने के रस में खिलाओगे तो और अच्छा परिणाम है इसका। चूना गेहूं के दाने के बराबर, गन्ने का रस आधा गिलास, बहुत अच्छी दवा है। माताएं भी इसको ले सकती हैं। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, ओवम का प्रॉब्लम है, उनको चूना खिलाओ गन्ने के रस में, बहुत बढ़िया दवा है। ये जो चूना है ना, ये कई काम में आता है, मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है, 70 बीमारियां ठीक कर देता है ये अकेला चूना। जैसे एक बहुत खराब बीमारी है जॉन्डिस हेपेटाइटिस, वो चूने से ठीक हो जाती है, पी लिया जिसको हम, गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाते रहो, पी लिया सबसे जल्दी ठीक होता है। लीवर में सूजन आ जाए किसी को, सबसे जल्दी ठीक होती है चूने से। शराब पी पी के जिन्होंने अपने लीवर खराब कर लिया, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। बहुत ज्यादा दारू पी पी के जो लोगों ने अपने लीवर खराब किए, लीवर सिरोसिस हो गया, उनको आप बोलो चूना खाए, रोज गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर। गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ के पानी में मिला के पी, गुड़ है पानी में मिलाए और उसमें चूना मिला के पी, मात्रा उतनी ही लेनी गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। ये चूना उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, सब बच्चों को चूना खिलाओ, पर लंबाई बढ़ाने के लिए इसको खिलाना कम से कम साल भर, मात्रा उतनी ही गेहूं के दाने के बराबर दही में खिला दो, नहीं तो गन्ने के रस में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सादा पानी में मिला के खिला दो। ये चूना उन सब बच्चों की दवा है जिनकी बुद्धि कम काम करती है, जो दिमाग से थोड़े से कमजोर बच्चे होते हैं ना, जिनको मतिमंद बच्चे कहते हैं, देर में सुनते हैं, देर में समझते हैं, देर में सब काम उनके देर से होते हैं, देर में पैदल चलते हैं, ऐसे बच्चों को चूना खिलाओ, बहुत जल्दी फायदा होगा। और इन सब बच्चों को 2-3 साल खिलाना चूना, और चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब के लिए जो बहुत कमजोर है, एकदम हड्डी हड्डी दिखाई देती है, ऐसे बच्चे उनकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। और ये चूना बहुत अच्छी दवा है, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा दांत का दर्द, दांत में दर्द होता है चूना खाओ तुरंत ठीक होगा, दांत में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना बहुत अच्छी दवा है।
अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर रोज पिला दो, खून बहुत बढ़ता है। माताएं इसको याद रखें, अपने घर में कोई भी गर्भवती माँ या बहन है उसको जरूर खिलाओ, आप ये रोज चूना खिलाओ अनार के रस। गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की और आयरन की। अनार के रस में आयरन बहुत है और चूने में कैल्शियम बहुत है, तो अनार के रस में अगर चूना मिला के किसी भी गर्भवती माँ को 9 महीने आप दे दे तो बच्चे के जन्म के समय माँ को प्यार होते हैं जिनकी माँ ने चूना खाया गर्भावस्था, बहुत ब्रिलियंट होते हैं दिमाग से, बहुत तेज बच्चे। मेरा तो ये संदेश आप 40 करोड़ माताओं तक पहुंचा दो, बस इतना कर दो कि वो रोज चूना खाएं गर्भावस्था के समय में गेहूं के दाने के बराबर और अनार के रस में। और कोई माँ ऐसी भी है जो बहुत गरीब है, अनार के रस नहीं ले सकती, तो उसको कहो गुड़ के पानी में ही चूना पीती है, गुड़ तो सस्ता है, गरीब से गरीब आदमी के घर मिल जाता है, तो गुड़ का पानी बनाए और उसमें चूना पीते रहे पूरे 9 महीने, तो माँ एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी, बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और बच्चा बहुत ही होशियार बनेगा, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट। ये जो चूना है ना, ये दिमाग की भी और शरीर की भी दोनों की ग्रोथ कराता है, मन मस्तिष्क सबका इससे बढ़त है। चूना आप खा सकते हैं जब नाखून की बीमारियां होती, नाखून सड़ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, तो चूना खा लो बिल्कुल ठीक हो जाता है। घुटने का दर्द है ना, चूने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। गठिया, गठिया की मैंने 2 दवाएं तो पहले बताई, अब एक बता रहा हूं, चूना खाते रहो गठिया का सब रोग ठीक होगा, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होगा। कई बार ये खतरनाक दर्द आता है स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो चूने से ही ठीक हो जाए, स्पॉन्डिलाइटिस, इतना ही खाना जाता है, मनके में गैप बढ़ जाता है और उसकी कोई दवा नहीं, दुनिया में एक ही दवा है चूना, खाते रहो गैप कम हो जाए। हड्डी टूट गई तो चूना खा लो बहुत जल्दी जोड़ेगी और मजबूत जोड़ेगी, पान के साथ खा सकते हैं, बस उसमें कत्था नहीं लगा सकते, चूना और कत्थे की दुश्मनी है, खाली चूना लगाते तो पान खा सकते हैं, कत्था लगाते ही वो गड़बड़ हो जाता है, ये जो कत्था है ना चूने का असर खत्म कर देता है, कत्था जहर है, इससे कैंसर होता है, मत खाया करो, पान खाओ खाली चूने का, कत्था मत लगा। और माताएं इसको और ध्यान से सुने कि अपने घर में कोई भी माँ कोई भी बहन को मासिक धर्म की जितनी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। जैसे मासिक धर्म समय से नहीं आता, देर में होता है, खून बहुत ज्यादा निकलता है या खून बिल्कुल नहीं निकलता, कभी 2 महीने में हुआ, कभी 4 महीने में हुआ, कभी 15 दिन नहीं हो गया, ऐसी सब तकलीफों में चूना खाओ आप, बहुत अच्छी दवा। और घर में जितनी माताएं 50 वर्ष की हो गई उनको जरूर खिलाओ चूना, क्योंकि ये 50 वर्ष की जो माताएं हैं ना सबका मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब उस समय बहुत तकलीफें आती हैं उनको, वो चूना बिल्कुल ठीक कर देता है हर एक तकलीफ को। माताओं की तो ये खास दवा है चूना। माताओं को अक्सर एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। बार देना एक ही बार सवेरे खाली पेट, और देखो जिनके चेहरे में मुहासे निकलते हैं, फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं, उनकी ये बहुत अच्छी दवा है चूना, चेहरा एकदम साफ होता है अगर चूना खाओ। पानी से भी दे सकते हैं, पानी में चूना घोड़ी के पिला दो, गैस के लिए तो अभी बताऊंगा। ये जो चूना है ये जो है ना चेहरे को साफ करेगा, अगर आपके त्वचा में कोई रोग है जैसे सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, चूना इनको भी ठीक करता है त्वचा रोग को। उसको गन्ने के रस से साथ लेना है, उसको गन्ने के रस में तो लेना सबसे अच्छा, गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी उसमें ले लो, वो भी ना मिले तो खाली पानी में ले लो, नहीं तो दही में ले सकते हैं, दाल में खा सकते हैं,
दूध छोड़कर किसी में भी चूना मिला के खा सकते, दूध में नहीं ले सकते। ये एक चूना याद रखो 70 बीमारियां ठीक करता है। इसलिए मैं सबको कहता हूं, चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी में। आजकल लोग एक दूसरे को चूना बहुत लगाते हैं, और कुछ तो ऐसे महान लोग हैं वो देश को भी चूना लगाते हैं। ये लगाने की चीज नहीं, खाने की चीज। और परमपिता परमात्मा ने भारत पे बहुत कृपा की है, ये चूना सबसे ज्यादा भारत में ही है। ये वही चूना है जो पान वाले सब लगाते हैं, पत्थर से बनता है, चूने का पत्थर आता है, आप उसको पानी में डाल दो। ना तंबाकू तो जहर है भाई। ना बिल्कुल, चूना खाइए तंबाकू के साथ नहीं। इन पैकेट में आता है लेकिन वो तंबाकू मिला हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध रहे। भले वो पैकेट में आता है, गीला चूना बेचते हैं पैकेट में आजकल, आप वो ले लो, तंबाकू नहीं खा सकते चूने के साथ, तो फिर चूना जहर हो जाता है। चूने की दो चीजों से जबरदस्त दुश्मनी है, एक कत्था एक तंबाकू, और दुर्भाग्य से लोग इसी के साथ खाते हैं। ये जो चूना अगर आप तंबाकू के साथ खाओ ना, तो यही चूना कैंसर कर देता है, और यही चूना सुपारी के साथ कत्था मिला के खाओ तो पथरी बना देता है। ये बहुत अमृत है चूना, लेकिन जिनके साथ ये मेल खाता है उन्हीं से अमृत है, जिनसे इसकी दुश्मनी है चूने की उनके साथ खा लिया तो मार डालेगा। इसलिए सावधानी रखनी है चूना खाने में, एक तो इसको सुपारी और कत्थे के साथ नहीं खाना, तंबाकू के साथ नहीं खाना, और एक दूसरा जिनको पथरी हो गई है वो ना खाएं इसे, जब पथरी ठीक हो जाए फिर खाएं। पथरी हो जाती है और अक्सर पित्त की थैली में पथरी है, नहीं तो मूत्र पिंड में है, नहीं तो किडनी में है, तो इस पथरी को निकालने के लिए दवा लिख लो। एक बहुत अच्छी दवा है पित्त की पथरी के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, उस दवा का नाम है सेब का रस। सेब है ना, सेब एप्पल, इसका रस पी, एक कप रोज सवेरे खाली पेट। और सेब का जब रस निकालेंगे ना, तो छिलका मत उतारना, क्योंकि सेब की सारी ताकत छिलके में है। हाँ, छिलका उतार दिया तो सेब बेकार, वैसे ही खा लिए तो ऐसे खा लो। चार सेब एक साथ खाओगे तब एक कप रस होता है, तो चार सेब खाओ चबा चबा के, और सवेरे खाना खाली पे, तो पित्त की थैली की पथरी 6 से 8 महीने में कल जाएगी। और दूसरी दवा है पथरी की, जब पथरी गुर्दे में हो, किडनी में, और हमारे मूत्र पिंड में, तब उसकी दवा है गाय का मूत्र, आधा कप रोज पी लो, उससे पथरी टूट के निकल जाएगी। और आप जिंदगी में कभी भी पथरी की बीमारी के शिकार ना हो, तो इसके लिए एक बात जो मैं पहले कहा उसको ध्यान से फिर कह रहा हूं, कि पानी हमेशा घूट घूट पीते रहोगे तो कभी भी पथरी नहीं बनती, ना पित्त की थैली में, ना मूत्रपिंड में, और ना आपके गुर्दे में। पथरी उन्हीं को बनती है जो घटाघट पानी पीते हैं, एक साथ एक गिलास दो गिलास पी लिया, पता नहीं कहां जाने की जल्दी है उनको। हाँ, ये मनुष्य छोड़कर घटाघट पानी कोई नहीं पीता दुनिया में। सारे जानवरों को देखो, कुत्ता चाट चाट के पानी पिएगा, शेर चाट के पानी पिएगा, बिल्ली चाट के पानी पिएगी, पक्षियों को चिड़ियाओं को देखो, एक एक बूंद पानी पीते हैं, सब धीरे धीरे पानी पीते हैं। ये आदमी ऐसा मूर्ख है जो घटाघट पीता रहता। पानी कभी भी घटाघट मत पियो, चाट चाट के, जैसे हमारे जानवर करते हैं वैसे आप करो। कोई जानवर को पथरी की बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो चाट के पानी पीते हैं या घूट घूट करके। आप भी ऐसे पानी पिया करो। आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो घूट घूट पानी पीते हैं उनको जिंदगी में बीमारी ही नहीं होती, कोई भी, खाली ये पथरी की नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होती। बंद कर ले जाए इसमें, दोनों मिला के चबा के खाओ, खाने के बाद तो बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी। और एक दवा है एसिडिटी की, अगर कर सको तो आधा कप गोमूत्र पी लो,
एसिडिटी बिल्कुल नहीं हो। और तीसरी दवा मैंने बताई, पानी घूट घूट पियो, कभी एसिडिटी नहीं होगी। चौथी बात मैं पहले बोल चुका हूँ, खाना खूब चबा चबा के खाओ, कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। ये एसिडिटी उन सबको होती है जो जल्दी खाना खाते हैं, खबर हबर पता नहीं कहाँ भागने की जल्दी। खाने के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि इसको बहुत शांति से धीरे धीरे खाना चाहिए। हाँ, अब आप इसमें ऐसे देखो कि एक टुकड़ा बत्तीस चबाने हैं, उसमें 32 का गुणा कर लो, इतनी देर में। मैंने खाते देखा, चार रोटी खानी हो और हर टुकड़ा 32 बार चबाना हो तो 20 मिनट लगता है। और कोई चार से ज्यादा क्या खाएगा, छह खाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो 30 मिनट समझ लो, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो आप बस खाना खाने में थोड़ा चबाने पर ध्यान दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पता है जानवर तो कितना चबाते हैं, गाय को देखो, भैंस को देखो, खाना खाते हैं दो दो घंटे तक चबाते रहते हैं, उसको जुगाली करते हैं। हमसे ज्यादा स्वस्थ है वो इसीलिए। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखो इन सब चीजों का। अब बहुत कुछ मैंने बता दिया, अब आगे अगर और जानना है, इससे ज्यादा मैंने जितना बताया इससे ज्यादा जानना है, तो एक पुस्तक ले लेना। हमने एक पुस्तक बनाई है, उसका नाम है जड़ी बूटी रहस्य। पतंजलि योगपीठ ने इसका प्रकाशन किया, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको लिखा। ये पुस्तक किसी भी पतंजलि चिकित्सालय में मिल जाती है, तो इसको पढ़ लो। इसमें तो हजारों बातें, मैं तो थोड़ी सी बताया, इसमें हजारों जड़ी बूटियों का ज्ञान है। और एक काम करो, अगर यही बात ज्यादा जाननी है तो रात को आस्था चैनल में एक कार्यक्रम आता है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन, उसे रोज देखा करो। रात को 9 से 10 बजे तक आता है और सवेरे वही कार्यक्रम 7:30 से 8 बजे रिपीट होता है, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप अपने जीवन की हर बीमारी ठीक करो। और हमारा लक्ष्य ये है कि बीमारी ठीक करने में आप पैसा खर्च मत करो फालतू, बिना पैसे आपकी हर बीमारी का इलाज है। जितना इलाज मैंने बताया इसमें बहुत पैसे खर्च नहीं होंगे आपके। और मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो आपको बताया है ये आप दूसरों को बताना, करोड़ों लोगों को ये सब ज्ञान की जरूरत है। और अगर हम ये सबको बता पाएंगे तो सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हमारा एक और लक्ष्य है भारत की गरीबी, बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार मिटाना। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत गरीबी है देश में और वो गरीबी के साथ बेरोजगारी है, और ये गरीबी बेरोजगारी का कारण है भ्रष्टाचार। राजीव गांधी कहा करते थे कि जब 1 रुपए हम किसी गरीब आदमी को भेजते हैं दिल्ली से तो उसके पास 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे लुट जाते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार। अब तो राजीव गांधी है नहीं, अब तो हाल और भी बुरा है। अभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इनके सरकार के जमाने में तो ये हाल है कि 1 रुपए भेजा जाए तो गरीब आदमी तक 8 पैसा ही पहुंच पाता है, 92 पैसा भ्रष्टाचार में लुट जाता है। और भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है आप सब रोज देख रहे हैं, नंगा खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का। ये सब मैंने प्रधानमंत्री को बता के किया, माने सब शामिल होंगे इसमें। और 1,76,000 करोड़ रुपए को खाने और पचाने की ताकत एक में नहीं होती, इसमें तो सबका बंदरबान हुआ होगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि जेपीसी से जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि सबकी पोल खुलेगी अगर जेपीसी की जांच हुई तो। अब तक हम सुनते थे प्रधानमंत्री बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार, इतना बड़ा घोटाला 3 साल और 6 महीने से उनका मंत्री कर रहा है और उन्होंने उसको हटाया ही नहीं अभी तक। ये तो मीडिया वालों ने हल्ला मचाया तब जाकर राजा ने इस्तीफा दिया, नहीं तो वो तैयार थोड़ी था इस्तीफा देना। और अब तक का ये बहुत बड़ा घोटाला है। और एक घोटाला हो गया थोड़े दिन पहले, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, 77,000 करोड़ का वो घोटाला हो। और ये तो इतना दे दिया कि उतने में 40 AC आ जाए, 1-1 AC का किराया दे दिया, बड़ा भयंकर घोटाला।
और इस घोटाले में जो बेईमान लोग फंसे हैं अब तक उनको सरकार ने कोई दंड नहीं दिया। सुरेश कलमाडी और उसके सब सहयोगी सब छुट्टे घूम रहे हैं पूरे देश में दुनिया। शर्म नहीं है ना सरकारों को ना नेताओं को। और ये हुआ कोई बाहर वाले नहीं कह रहे, सीबीसी कह रही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीआई कह रहा है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कह रहा है घोटाला हुआ है। और ये तो कॉमनवेल्थ खेल का तो कुछ चक्कर ही समझ भी नहीं आता मुझे। दुनिया में 71 देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हुए, वो सब मिलकर हर 4 साल में ये खेल आयोजित करते हैं ताकि अपने गुलामी को याद कर सकें हर 4 साल। अब मैंने नहीं देखा कि कोई अपनी गुलामी को याद करता है, गुलामी को तो भूल जाना पड़ता है, लेकिन ये कि भूलते ही नहीं, हर 4 साल में आयोजन करके याद कर लेते हैं अपनी गुलामी को। और उसी महारानी को बुलाते हैं खेल के उद्घाटन में जिसने गुलाम बनाया सबको। महारानी आती है लंदन से, ये तो अच्छा हुआ इस बार वो बीमार पड़ गई तो उसका बेटा आया, लेकिन आया उसी के घर का आदमी। और वो जब ऐलान करता है ना तब खेल शुरू होते हैं। वो कुछ समझ में नहीं आता, वो महारानी आती है उसके पहले उसका डंडा आता है, उसको कहते हैं क्वींस बैटन्स, महारानी का डंडा। ये डंडा 71 देशों का चक्कर लगाते हुए आता है जिस देश में खेल होते हैं, तो इस बार भी आया वो डंडा। उसी डंडे में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, हाँ उस डंडे को लाने में जितना पैसा खर्च कर दिया, मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, उतने पैसे में 100 डंडे सोने के बना सकते थे, 70,000 करोड़ का ये घोटाला। अब ये दोनों घोटाले अगर जोड़ दें, ये राजा घोटाला 1,76,000 करोड़ और ये 77,000 करोड़, ये दोनों घोटाले का पैसा 2,50,000 करोड़ से ज्यादा है। और इतना धन अगर इकट्ठा करके सोना खरीद ले तो छत्तीसगढ़ के हरेक परिवार को 10-10 किलो सोना दान में दे सकते। माने छत्तीसगढ़ का हर परिवार सोने का परिवार हो जाए, इतना बड़ा घोटाला। अगर इतने ही पैसे का सोना खरीदे तो छत्तीसगढ़ के हर गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का परत बिछा सकते, इतना बड़ा घोटाला। और ऐसे घोटाले रोज होते हैं। पिछले 20 साल से एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है इस देश में जिसमें सब नेता शामिल हैं हर पार्टी के। वो घोटाला ये है कि अपने देश की खेती की जो जमीन है ये विदेशी कंपनियों को बेची जा रही है कौड़ी के भाव। जो जमीन का बाजार में भाव 1 करोड़ रुपए एकड़ है वो विदेशी कंपनियों को 10,000 रुपए एकड़ में, 5,000 रुपए एकड़ में, 2,000 रुपए एकड़ में बेची जा रही, और हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन बेची जा रही। आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो उड़ीसा आपका जो पड़ोसी राज्य है वहां के मुख्यमंत्री ने पॉस्को नाम की स्टरलाइट नाम की दूसरी कंपनी को 72,000 एकड़ जमीन बेच दी कौड़ी के भाव। और उस जमीन में इतना भरा हुआ है भंडार किसका, लोहे का, आयरन ओर का, कि अगर हम उसको खोदते रहे तो वो भंडार खत्म नहीं होता 300 साल तक। और उसे बेच दिया विदेशी कंपनी। ऐसे ऐसे घोटाले रोज चलते हैं। यहां छत्तीसगढ़ में हो रहा, हजारों एकड़ जमीन 36 एकड़ की बेच दी विदेशियों के हाथ। सारे देश में ये खेल चल रहा है जमीन बेचने का, ये सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। इन सब घोटालों में हमारा आपका भविष्य डूब रहा है। हमने कुछ घोटालों के बारे में अध्ययन किया, आजादी मिली तो सबसे पहला घोटाला हो गया, आजादी आने के 2 ही साल में हो गया था वो जीप स्कैंडल। हमारे एक रक्षा मंत्री थे वी के कृष्ण मेनन, उन्होंने जीप खरीदी कागज पे, जीप खरीदी कागज के, वास्तव में नहीं आई और पैसे चले गए, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। अब वी के कृष्ण मेनन को जब पूछा गया कि ये कैसे कर दिया, कहते जी मैं शराब के नशे में था, हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे ऐसे विचित्र नेता हैं इस देश, शराब के नशे में फाइल पे सिग्नेचर करते,
बाद में उनको हटाया गया मंत्रालय से, रक्षा मंत्री थे वो और नेहरू जी के पक्के यार थे। हाँ, यारी उनकी नेहरू जी से जबरदस्त थी। जब इनका घोटाला खुला ना तो नेहरू जी से बात कहते हुए नहीं बनता था लोकसभा। एक दिन नेहरू जी ने ये कहा था लोकसभा में कि मेरे मंत्रिमंडल में अगर कोई घोटाला करेगा तो मैं उसको बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा। और थोड़े दिन में ये कर दिया वी के कृष्णा मैंने। हाँ, तब सबने कहा लोकसभा में नेहरू जी को लटकाओ उनको बिजली के तार से, तो नेहरू जी की बोलती बंद हो गई थी। फिर एक दिन नेहरू जी ने इसका उल्टा बोला लोकसभा में कि ये जो प्रजातंत्र की गाड़ी है ना, ये घोटाले और भ्रष्टाचार से ही चलती है। ये नेहरू जी ने कहा। मैंने घोटाला तो होना ही है इस लोकतंत्र। उसके थोड़े दिन में और एक बड़ा घोटाला हुआ था, चेक पिस्टल स्कैंडल। चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश है, वहां से पिस्तौल खरीदी भारत सरकार ने, लेकिन पिस्तौल नहीं आई, पैसे चले गए। तब बहुत मुश्किल आई थी। एक और बड़ा घोटाला हुआ था उसी समय, नागरवाला स्कैंडल। एक हुआ था मुद्रा स्कैंडल। ऐसे जितने घोटाले अब तक हुए हैं हमने सबका हिसाब निकाला तो अब तक भारत देश को 340 लाख करोड़ का चूना लगा दिया है भ्रष्ट नेता 64 साल। और ये जो 340 लाख करोड़ का चूना देश को लगा दिया, ये पैसा गया कहां? ये सब इन भ्रष्ट नेताओं के नामों से विदेशी बैंकों में जमा है। स्विट्जरलैंड नाम के देश में भारत के भ्रष्ट नेताओं के 280 लाख करोड़ रुपए जमा है। और स्विट्जरलैंड जैसे दुनिया के 70 और देश हैं, वहां पे 60 लाख करोड़ जमा है। कुल 340 लाख करोड़ रुपए नेताओं ने लूट के जमा कर रखे हैं विदेशों में। अब हमने इस भारत स्वाभिमान की मदद से एक आंदोलन शुरू किया है कि नेताओं ने ये जो धन लूट लिया है, इस धन को भारत में वापस लाना और इसी धन से भारत की गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये धन वापस आ सकता है जो लूट लिया इन्होंने? हाँ, आ सकता है। कैसे आएगा? इस धन को वापस लाने के तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में हम एक मुकदमा करें और उसमें ये कहें सुप्रीम कोर्ट से कि इन सभी घोटालों की जांच करो और जांच करने के बाद जो पता चले कि पैसा विदेशों में गया है उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, तो वो सारा पैसा जो विदेशों में जमा है ये वापस आ जाएगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, हम भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित कराएं, कुछ एमपीज को कहें कि भैया संसद में प्रस्ताव करो कि विदेशों में जो 340 लाख करोड़ भारत का जमा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और संसद इसको मान ले तो ये पैसा वापस आ जाए। तीसरा एक रास्ता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ एक संस्था है, उसके साथ हम एक समझौता करें, एग्रीमेंट, तो वो ये सारा पैसा वापस दिलवाने को तैयार है। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अभी अमेरिका को ये पैसा दिलवाया है। अमेरिका का भी बहुत सारा पैसा घोटालों में डूब के स्विस बैंक में जमा हुआ था और बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बना ना तो उसने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि कर ली, समझौता, तो संयुक्त राष्ट्र ने वो सब अकाउंट खुलवा दिए उनके और पैसे दिलवा दिए, तो हम भी कर सकते हैं ये काम। तो ये तीन रास्ते हैं और इनके माध्यम से पैसा आ सकता है। तो हमने पहले रास्ते पे तो कदम बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हमने दाखिल करवा दिया पिछले साल भर पहले, और इस मुकदमे को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से एक बहुत मशहूर वकील ने किया है, उनका नाम है राम जेठमलानी। अच्छी बात हुई ये है कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके सरकार को नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जितना पैसा विदेशों में है इसका हिसाब हमें बताओ। तो अब सरकार के हाथ पर फूले हुए, क्योंकि जिनका पैसा है वो ही सरकार चलाने।
सरकार को उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नोटिस देगा, अब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इस पैसे को इकट्ठा करवाना है दुनिया भर में जहां जहां ये जमा, तो सरकार ने अपने अधिकारी भेजे हैं 70 देशों में और 34 देशों के पैसे का सब पता चल गया, 36 देशों का बाकी है, थोड़े दिन में वो भी पता चलेगा। और तब सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपील करवाएंगे कि सारा पैसा जिसका पता चल गया वो देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, वो नेताओं की नहीं है, हमारी है, हमने टैक्स में दिया था वो पैसा, नेता कहाँ से लाए, ये तो हमारा पैसा है। तो उसको राष्ट्र की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, ऐसा हमें भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले भी कर चुका है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए थे नरसिम्हा राव, आपको याद होगा, उनके जमाने में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला, उसमें जितने पैसे भारत के बाहर, एक संभावना ऐसी है, एक ही संभावना कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये मुकदमे का फैसला करने में समय लगा तो, क्योंकि कई बार 25-25 साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, इसमें भी ऐसा हो सकता है, तब हम क्या करेंगे। तब हमने दूसरा संकल्प लिया है कि हम संसद में एक बिल पास करेंगे और उसके लिए सांसदों से हमने बात कर ली, कई सांसद तैयार हैं जिनके पैसे कहीं नहीं है, ऐसे हैं सांसद, अब बेचारे लूट ही नहीं पाए तो क्या करें, बोले वाले से तो वो तैयार है, वो कहते हैं हम बिल लाएंगे संसद। तो ऐसे सांसदों का एक समूह बनाया है और वो बिल की ड्राफ्टिंग चल रही है, थोड़े दिन में इसको संसद में लाएंगे और संसद में जब बिल आएगा तो बाकी सब सांसद बहस करेंगे। बहस वाले दिन हम ये देखेंगे कि इसका विरोध कौन कौन कर रहा है, जो विरोध करेगा पक्की बात है हरामी वही है, कमीना वही है, पैसे उसी के हैं, बेईमान वही, तो पता चल जाएगा पूरे देश को बेईमान कौन कौन है। अब संसद में दो ही बात होंगी, या तो संसद के बेईमान सांसद इस बिल को पास नहीं होने दें, और या संसद में ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो वो बिल को पास करा दें, दोनों में से कुछ एक होगा। अगर बिल पास हुआ तो अपने को कुछ करना ही नहीं, कानून बनेगा पैसे आ जाए, और बिल पास नहीं हुआ तो हमने एक तीसरा संकल्प लिया है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब सारे देश में से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिता के लाएंगे और फिर दोबारा से बिल पास। अब आप बोलोगे क्या 400 सांसद हमारे जीतेंगे, आराम से जीतेंगे, क्यों, क्योंकि सन्यासी और संत हमारे साथ हैं इस बार। एक बहुत बड़े संत परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने तो संकल्प ले लिया, उनके जैसे 70 और संत हैं, उन्होंने भी संकल्प लिया। मैं आपको कुछ संतों के नाम गिनाऊं जिन्होंने ये संकल्प लिया। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, भारत माता मंदिर वाले, उन्होंने संकल्प लिया। एक दूसरे सन्यासी हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, उन्होंने संकल्प लिया। एक तीसरे संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, पहले उनका नाम था आचार्य किशोर जी व्यास, अभी उनका नाम है गोविंद देव गिरी, सन्यासी लिया हुआ। और एक चौथे बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य कांचीपुर। पांचवें एक संत हैं परम पूजनीय मुरारी बापू, एक है परम पूजनीय सुधांशु महाराज, एक है परम पूजनीय रमेश भाई ओझा। ऐसे 70 संत हैं जिन्होंने तय कर लिया कि 2014 के चुनाव में जरूरत पड़ेगी तो ये सारे संत घूमेंगे पूरे देश में। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि ये सब संतों के कुल भक्त जितने हैं वो इकट्ठे होकर अगर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाए। तो असंभव नहीं है, जब ये संत उतर पड़ेंगे तो फिर कौन रोकेगा इनको, तो ये सांसद तो जीत जाएंगे, कानून भी बनेगा और ये सांसदों पे कंट्रोल सब संतों का रहेगा और ये आगे पीछे देखेंगे तो तुरंत इनको वापस बुला लेंगे।
एक कानून के साथ हमको हम भेजेंगे, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। जिस सांसद को चुन के भेज दिया वो हमेशा के लिए नहीं है, अगर वो काम नहीं करेगा उसको वापस बुला के दूसरे को भेजें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सबके सिर पे तलवार लटकती रहेगी काम करना, नहीं तो जाना क्यों वहां पे, कोई मौज मजा करने थोड़ी जाना है वहां। तो ये तो करा लेंगे हम, कानून बना देंगे, पैसे आ जाएंगे, फिर पैसे आने के बाद देश में उसको गांव गांव में खर्च करना, हर गांव में 100 उद्योग लगाने हैं उस पैसे से। जैसे भारत के गांव में कपास पैदा होती है वहां पे खादी बनाएंगे, भारत के गांव में जहां गाय है वहां गोमूत्र से दवा बनाएंगे, जहां गांव में गाय है बैल है भैंस है वहां गोबर है, गोबर से खाद बनाएंगे किसानों के लिए, और उस गोबर में से गैस निकालेंगे, वो गैस को सिलेंडर में भरेंगे, वो सिलेंडर से गाड़ी चलेगी, घर का खाना बनेगा, बिजली बनेगी। ऐसे ही गांव गांव में जहां आलू होता है वहां आलू का चिप्स बनवाएंगे, टमाटर की चटनी बनाएंगे, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में। और इन उद्योगों में 10 लाख करोड़ खर्च होगा और भारत के 67 करोड़ लोगों को काम मिलेगा गांव का, तो बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी। फिर और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो उससे सड़क बन जाएगी हर गांव में और बिजली आ जाएगी हर गांव को 24 घंटे बिजली, वो करीब 4 लाख करोड़ में होगा, हर गांव को सड़क वो 6 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ में बिजली सड़क हो गई। और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो गांव में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और किसानों की सिंचाई के तालाब हर गाँव में बनाएंगे। 30 लाख करोड़ में गाँव की सब समस्याएं हल हो जाएंगी, हर गांव को बिजली हो गई, हर गांव को सड़क, हर एक गांव में रोजगार हो गया, हर एक किसान के खेत को पानी मिल गया, पूरे साल पानी मिलेगा, तो आज जितनी फसल होती है उससे 2 गुना उत्पादन होगा, तो किसानों का भी भला होगा। अंत में शहरों का विकास करेंगे, 10 लाख करोड़ में शहर विकसित हो जाएंगे, क्योंकि शहर तो बहुत थोड़े हैं, 1000 शहर हैं भारत में और गांव 6,38,365 है, तो गांव विकसित हो गए तो शहर तो आसानी से हो, माने कुल 40 लाख करोड़ में पूरा विकास हो गया। अब 300 लाख करोड़ बचेगा फिर क्योंकि धन तो 340 लाख करोड़, तो 300 लाख करोड़ बच गया, अब इसका क्या करें। तो इसके लिए हमने योजना बनाई है कि इसको भारत माता के नाम से RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, और ये धन अगर फिक्स डिपॉजिट में रख दिया तो इसका हर साल ब्याज मिलेगा और वो ब्याज 30 लाख करोड़ रुपए होगा, जो हमारे एक साल के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। हमारा एक साल का खर्चा है 11 लाख करोड़ पूरे देश का, और ये ब्याज मिलेगा 30 लाख करोड़, तो 3 गुना ज्यादा है, तो 11 लाख करोड़ तो खर्च करेंगे अपने देश में जो देश के काम चलाने हैं, 19 लाख करोड़ फिर बचेगा, इसका क्या करें। तो इसकी योजना बनाई है कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों को बांटेंगे कर्ज में, हाँ कम ब्याज का कर्ज, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, बर्मा है, पाकिस्तान को नहीं देंगे बाकी सब, चीन को भी नहीं देंगे बाकी सबको देंगे, चीन पाकिस्तान को छोड़ के सबको देंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, हमारे जो पड़ोसी देश हमारे दुश्मन जैसे बने हैं ना, ये मित्र हो जाए, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल, ये सब मित्र बनेंगे, और 70 देश अगर हमारे मित्र हुए तो इन सब देशों को संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में खड़ा करना है, बता देंगे उसका। तो ये जो 70 देश हैं इनको हम भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में खड़ा कर सकते हैं, मतलब ये 70 देश भारत के समर्थन में प्रस्ताव करा सकते हैं। प्रस्ताव क्या कराना है, हमारी जो जमीन चीन के कब्जे में है वो वापस लेनी, और हमारी जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है वो वापस लेना, 1/3 कश्मीर हमारा पाकिस्तान के पास है और 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के पास है, ये दोनों वापस लेनी है। ये वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद चाहिए और वहां एक प्रस्ताव कराने के लिए 70 वोट चाहिए, और 70 वोट चाहिए तो इसलिए 70 देशों को हम मदद करेंगे पहले, तो ये हमारे लिए वहां वोट करेंगे। तो
तो वो जमीन आ जाएगी। फिर दूसरा काम करेंगे कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादी तैयार करने के अड्डे चल रहे हैं उसके लिए एक और प्रस्ताव कराएंगे संयुक्त राष्ट्र में कि ये आतंकवादी अड्डे बंद किए जाएं, या तो पाकिस्तान बंद करेगा नहीं तो 70 देशों की संयुक्त सेना जाएगी और आतंकवादियों पर बम गिरा के ध्वस्त करेगी उनको। अगर भारत की सेना पाकिस्तान में जाके हमला करेगी तो दुनिया चिल्लाएगी, लेकिन 70 देशों की सेना जब जाएगी यही काम करने तब पाकिस्तान चिल्लाएगा, दुनिया नहीं चिल्लाएगी। पहले पाकिस्तान को चेतावनी दे दी जाएगी कि सारे आतंकवादी अड्डे बंद करो, इतने दिन में बंद हो जाने चाहिए, नहीं मानेगा तो ये जाएगी आर्मी। ये ऐसे ही करेगी जैसे अफगानिस्तान में अभी हो रहा है। आपको मालूम है अफगानिस्तान में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए 70 देशों की सेनाएं हैं, यही सेना पाकिस्तान चली जाएगी। हाँ, उसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र एक बार प्रस्ताव करेगा तो पाकिस्तान जाएंगे। और सारी दुनिया आप देख चुकी है कि आतंकवाद की अम्मा पाकिस्तान है, वहीं से शुरू हो रहा है आतंक। और अब तो परवेज मुशर्रफ है ना, जो उनका पुराना अध्यक्ष, उसने मान लिया कि ये हम ही हैं जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते, तो अब तो किसी से छुपा हुआ ये है, तो ये ठीक करेंगे। और देश के अंदर और एक बड़ा काम करेंगे, अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून है वो खत्म कराएंगे। अंग्रेजों ने कई खराब कानून इस देश में बनाए, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को छीनने का कानून, ये खत्म कराना है। ऐसे ही भारत में इंडियन पुलिस एक्ट, वो खत्म कराना है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, ऐसे पुराने कानून सब खत्म करने, तब न्याय मिलेगा लोगों को। जैसे जमीन को छीनने का कानून खत्म हो जाए इस देश में, तो किसी किसान की जमीन ना छीनी जाए, किसी किसान पे अत्याचार ना हो। और अगर किसानों के अत्याचार बंद हो जाए, जमीन छीनना बंद हो जाए, तो नक्सलवाद की कमर अपने आप टूट जाए। ये नक्सलवादी जो है ना, इन्हीं पुराने कानूनों का बहाना लेके लोगों को भड़काते, और लोग बेचारे पुलिस से दुखी और परेशान है, इसलिए नक्सलवादियों के प्रभाव में आ जाते। तो नक्सलवाद को खत्म करना है तो पुराने कानून खत्म करने पड़े। और गरीबी बेकारी खत्म हो जाएगी देश में तो वैसे भी नक्सलवाद कम हो, और जमीनों के कानून बदल दिए तो और कम हो जाए, तो ऐसे नक्सलवाद खत्म होगा। और कुछ अत्याचार हैं देश में, जैसे माताओं पे अत्याचार होते हैं, बलात्कार वगैरह, इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे कि जो बलात्कार करेगा 3 महीने में उसको फांसी की सजा, वो कोई भी हो, वो राजा हो या रंग, किसी मां और बहन बेटी का बलात्कार किया तो 3 महीने में फांसी उसको। ऐसे ही एक कानून बनाएंगे कि जो रिश्वत लेगा, पकड़ा गया, 3 महीने में उसको भी फांसी की सजा। फिर देखें कौन रिश्वत लेगा, घूस लेगा, 2-4 नेताओं को जैसे ही फांसी पर लटकाएंगे सब ठीक हो जाएंगे। और एक दो काम करना है कि अपने देश का बहुत सारा धन अंग्रेजों ने लूट लिया था 250 साल इस देश में, कोहिनूर हीरा है, हमारे देश का सोने का सिंहासन है, आपको मालूम है महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन, शिवाजी की तलवार है सोने की तलवार, ऐसा बहुत कुछ लूटा है, और वो सब लंदन में रखा है अभी भी। एक अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, वो भारत से पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गया, ये सब वापस लाना है। और जितना अंग्रेजों ने लूटा था ये सब वापस अगर आ जाए सोना, तो ये सोना 450,000,000,000 करोड़ का है। और ये सोना वापस लाने का एक ही रास्ता है, अंग्रेजों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में एक मुकदमा करना। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वैसे दुनिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, वहां अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा करना है, और उसमें इतने प्रमाण हमें देने हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या लूटा है यहां से, और वो प्रमाण एक बार हमने प्रस्तुत किए तो वो सब वापस हमें मिलेगा। क्योंकि अंग्रेज अभी ये कहते हैं पूरी दुनिया में कि ये जो कुछ भी भारत से हमें मिला ये भारत ने हमें गिफ्ट में दिया,
हाँ, अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में ऐसा लिखा हुआ है कि हमने कोहिनूर हीरा उनको गिफ्ट कर दिया, हमने शिवाजी की तलवार उनको गिफ्ट कर दी। हमें ये सिद्ध करना है कि ये सब कुछ उन्होंने लूटा है, गिफ्ट हमने कुछ नहीं किया, बस सब वापस आ जाए। क्योंकि ये भारतवासी इस लालच में अमेरिका गए कि एक डॉलर में 50 रुपए आता, अब एक रुपए में 5 डॉलर आएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। और भारतवासी 4 करोड़ हैं जो अमेरिका और यूरोप में हैं, ये सब वापस आएंगे तो इनकी बुद्धि, इनका दिमाग सब आएगा इनके साथ। फिर नई नई मशीनें बनेंगी, नई टेक्नोलॉजी बनेगी और भारत की तरक्की बहुत तेज हो जाएगी। आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा में 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सब वापस आ गए तो हम तो नासा जैसी कई संस्थाएं बना लें तो भारत तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ बनेगा। पैसे हमारे पास भरपूर हैं, उद्योग खूब हैं, हमारी वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाएंगी क्योंकि रुपया जब मजबूत होगा तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत आसान है। और अंत में एक काम हम करेंगे कि जब देश हर तरफ से सुखी और समृद्ध होगा तो टैक्स खत्म कर देंगे, देश में टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारे टैक्स खत्म कर देंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। अभी जो पेट्रोल हमें 60 रुपए लीटर मिलता है वो 16 रुपए लीटर मिलेगा, फिर डीजल जो 40 रुपए लीटर है वो 7.5 रुपए लीटर मिलेगा, केरोसिन जो 20 रुपए लीटर आता है वो 3 रुपए लीटर आएगा, एलपीजी सिलेंडर जो 370 का आता है वो खाली 70 रुपए का रह जाएगा, नमक 8 रुपए किलो है वो 50 पैसे किलो हो जाएगा, आप बस का टिकट 100 रुपए का खरीदते हैं वो 22 रुपए का हो जाएगा, रेल का टिकट 27 का हो जाएगा 100 रुपए वाला, हवाई जहाज से हम अमेरिका आते जाते हैं ना 1 लाख खर्च होता है, वो टिकट फिर 12,000 का आएगा, हमारे बच्चे IIT में पढ़ते हैं तो 5 लाख रुपए 5 साल में खर्च होते हैं, फिर वो 70,000 में पढ़ाई कर लेंगे इंजीनियरिंग की, MBBS MD करने में 40 लाख खर्च होते हैं, फिर 4 लाख में हो जाएगा, अभी घर बनाओ आप 10 लाख में बनता है, फिर वो घर 3 लाख में बन जाएगा। हर चीज सस्ती होगी, महंगाई कम होने का ये फायदा, और चीजें सस्ती होंगी तो पैसे बचेंगे लोगों के, पैसे बचेंगे तो बचत बढ़ेगी लोगों की, देश की बचत बढ़ेगी। हमने इसका एक बहुत गहरा हिसाब निकाला कि भारत की बचत 40% हो जाए हमारे GDP की तुलना में तो हम चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाए, वो फिर बहुत पीछे रह जाए। तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है, सोने का शेर बनाना है, इसी के लिए ये सारा आंदोलन हमने शुरू किया। आप इसमें थोड़ी मदद कर दो, यही मैं कहने आया। आप क्या मदद कर सकते हैं, इस पूरे भारत स्वाभिमान में आप जुड़ जाओ और इसके सदस्य बन जाओ। भारत स्वाभिमान में 18 से 20 करोड़ लोगों को हम सदस्य बना रहे हैं पूरे देश में, आप भी उसमें जुड़ जाओ। और एक एक व्यक्ति इससे जुड़ेगा तो ताकत बढ़ेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम सब इसमें जुड़े, और जुड़ने के लिए मात्र 11 रुपए दान देना पड़ता है, आप इसके सदस्य बन सकते हैं। हमारे सभी जो योग शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, इनको हमने रसीदें बांटी हैं भारत स्वाभिमान की, आप कभी भी इनसे वो रसीद ले सकते हैं 11 रुपए देकर। और आप दूसरों को भी कह सकते हैं, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो ऐसे आप हमारी मदद कर दो और अगले 4 साल में 18-20 करोड़ सदस्य हो जाएं, फिर हम ये सब काम करने वाले। और ये काम एक सन्यासी ने शुरू किया है इसलिए ये पूरा होगा, क्योंकि सन्यासी जब भी कोई काम करते हैं वो अधूरे नहीं रहते। भारत में जब जब सन्यासियों ने कोई काम किया पूरा हुआ। एक बहुत बड़े सन्यासी थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने आजादी का आंदोलन शुरू किया था और वो काम पूरा हुआ, भले उस काम को करने के लिए 7,32,780 क्रांतिकारी पैदा हुए लेकिन वो काम पूरा हुआ। ऐसे एक सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने औरंगजेब के शासन को मिटाने का कसम खाई थी। औरंगजेब बहुत अत्याचारी राजा था, आप सभी जानते हैं, 60,000 उसने हिंदू मंदिर तोड़े थे, लाखों हिंदुओं की गर्दनें काटी थी क्योंकि वो मुसलमान नहीं बन रहे थे, हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था उसने। उस औरंगजेब अत्याचारी के शासन को मिटाने का संकल्प एक सन्यासी ने लिया था, समर्थ गुरु रामदास, और वो संकल्प भी पूरा हुआ।
और उसी संकल्प के लिए दो क्रांतिकारी आए थे इस देश में, एक छत्रपति शिवाजी और दूसरे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु बने और छत्रपति शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के बड़े नायक थे, दोनों ने मिलकर औरंगजेब को खत्म कर दिया था। तो भारत में सन्यासी जब भी कोई काम करते हैं वो काम पूरे हो जाते हैं। अब फिर एक सन्यासी आए हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, और उन्होंने देश को समर्थ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, वैभवशाली बनाना है, संपत्तिवान बनाना है, जगत गुरु बनाना है, सोने का शेर बनाना है, गरीबी भूखमरी बेकारी खत्म करनी है, देश की बीमारियां खत्म करनी है, इसके लिए संकल्प ले लिया। अब वो संकल्प पूरा करने के लिए आपको भगवान ने भेज दिया है, मुझे भेज दिया, हम सब इसी अभियान में एक सिपाही की तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप सब भी इसमें जुड़ेंगे और दूसरे कार्यकर्ता आएंगे तो ये जरूर होने वाला है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया कि आप सब भारत स्वाभिमान से जुड़ें, सदस्य बने और दूसरों को प्रेरित करें। और परम पूजनीय स्वामी जी इसी कार्य के लिए 30 जनवरी को यहाँ आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि 30 जनवरी 2011 को परम पूजनीय स्वामी जी का इस मुंगेली में कार्यक्रम होने वाला है। आप सब अभी से तैयारी करें, हजारों की संख्या में उस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, और उस दिन भी आप मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं भारत स्वाभिमानी। तो आप सब इस काम में जरूर जुड़ेंगे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप दूसरों को भी कहेंगे ऐसी ही भावना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलते चलते हम सब बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।